कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 6.2। तो इसके पहले आपने 6.1 के वीडियोस देख लिए होंगे, वो पूरा समझ में आया होगा। उसके अंदर क्या था, सिंपल सा एक फॉर्मूला था, ठीक है, दूरी सूत्र, उसके ऊपर पूरा 6.1 आपने पूरा कंप्लीट किया। अब हम लोग देखने वाले 6.2, ठीक है। अब जो 6.2 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर तीन सूत्र लगने वाले हैं। अब इन्हीं तीनों सूत्रों के ऊपर पूरा प्रश्न संग्रह एक्सरसाइज पूरा डिपेंड होता है, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं तीनों सूत्र क्या होता है, ये कैसे आते हैं, ठीक है, फिर इनका उपयोग करेंगे हम लोग प्रश्न संग्रह में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर सारी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारा क्लास। क्या है, पहला हमको देखना है विभाजन सूत्र देखना है, इसके बाद हमको रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र देखना है, इसके बाद केंद्रक बिंदु का सूत्र। एक केंद्रक बिंदु को कभी कभी केंद्रो बिंदु का सूत्र भी कहा जाता है, ठीक है। ये तीनों को मैं बारी बारी से डिटेल में समझा दूंगा, इसका फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक है, और फिर मैं इनका उपयोग करके 6.2 को हल करूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विभाजन सूत्र। क्या स्टार्ट करेंगे, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र स्टार्ट करने के लिए मुझे एक प्रतल बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहां पर बना लेता हूं एक प्रतल, आप लोगों को दिख रहा होगा, एक प्रतल मैंने बना लिया। इस प्रतल एक्स और एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, और यहां पर जीरो, ठीक है। और मैं यहां पर एक रेखाखंड खींच देता हूं, ठीक है, एक रेखाखंड खींच देता हूं। इस रेखाखंड का नाम है ए एस। क्या नाम है, ए एस, ठीक है। अब इस रेखाखंड में मैंने एक बिंदु यहां पर ले लिया पी, पी ने क्या किया, ए एस को विभाजित कर दिया, इसलिए इसका नाम बनने वाला विभाजन सूत्र। पी ने क्या किया, ए एस को क्या करके विभाजित कर दिया। जब विभाजित किया तो यहां का एम और एन के अनुपात में उसने क्या किया, विभाजित किया। यहां पर किसके अनुपात में विभाजित किया, उसने एम और एन के अनुपात में विभाजित किया। अब मैं क्या करता हूं कि अगर मुझे बिंदु पी का निर्देशांक चाहिए तो ए हो जाएगा मेरा एक्स वन वाई वन, ए हो जाएगा मेरा एक्स टू वाई टू, सही बात है यहां तक, और ये पी का निर्देशांक रहेगा एक्स वाई, ठीक है। अब मुझे इस पी का निर्देशांक चाहिए कि जो बिंदु, मतलब वह बिंदु जो ए और एस को विभाजित किया, उस बिंदु का निर्देशांक क्या रहेगा यहां पर, ठीक है। इसके ऊपर ही 6.2 पर डिपेंड है, ठीक है। तो ये पी का निर्देशांक कैसे आएगा, तो इसी पी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक लंब गिराना पड़ेगा, ठीक है। एक लंब गिरा दीजिए, यहां पर भी लंब गिरा दीजिए, और यहां पर भी लंब गिराइए आप, और यहां पर नाम दे दीजिए ए, ए बी और ए सी, ठीक है, ए बी सी। अगर मैं बात करूं कि भाई ए का निर्देशांक क्या रहेगा, तो आपने इसकी पहले वाली वीडियो 6.1 में देखा होगा कि ए जो है वो एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर है तो इसका निर्देशांक रहेगा एक्स वन जीरो, ठीक है, और सी का निर्देशांक रहेगा एक्स जीरो, और बी का निर्देशांक रहेगा एक्स टू जीरो। क्योंकि अगर कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर रहेगा तो उसका वाई निर्देशांक क्या रहता है, जीरो रहता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे एकदम अच्छे से, अब हमें क्या करना है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर एसी की दूरी चाहिए मुझे तो एसी कैसे निकलेगा मुझे, तो एसी निकालने के लिए एक्स माइनस क्या करना पड़ेगा, एक्स वन करना पड़ेगा, ठीक है। एसी की अगर दूरी चाहिए एक्स माइनस एक्स वन करना पड़ेगा, और बीसी सीबी की दूरी चाहिए, किसकी दूरी चाहिए, सीबी की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहां पर ए का निर्देशांक आपको मालूम है एक्स वन वाई वन, और एस का निर्देशांक एक्स टू वाई टू है, और पी का निर्देशांक जो है एक्स एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें देखो ये तीन समांतर रेखा दी गई है, ए ए सॉरी एक मिनट, इसका नाम अलग कर देते हैं क्योंकि यहां पर भी ये आ गया है, तो मैं यहां पर नाम देता हूं डी, क्या नाम देता हूं डी, तो यहां पर भी आ गया डीसी, नाम अलग हो जाएगा, तो एडी हो गया, पीसी हो गया, और एसबी हो गया। ये जो तीनों रेखा है या रेखाखंड एक दूसरे क्या है, समांतर है, तो मैं बोलूंगा एडी समांतर है, सॉरी एडी समांतर है पीसी के, और पीसी समांतर है एसबी के, तीनों क्या एक दूसरे के समांतर है, और ए एस और अगर मैं बात करूं ए, तो ए क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी। तो इस तरह से यहां पर क्या लगने वाला है, तीन समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा गुणधर्म, तीन समांतर रेखा दिख रही, याली याली याली,
ये तीन समांतर रेखा होगी और एक तिरेक रेखा, और बोल देंगे तो एक्स एक्सिस भी क्या है, तिरेक रेखा है। तो तीन समांतर रेखा और तिरेक रेखा का क्या लग जाएगा, गुणधर्म लग जाएगा। समझ में आया यहां तक बच्चों? हाँ चलिए, अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से, तीन समांतर रेखा तथा उनकी तिर्यक रेखा का गुणधर्म, इस गुणधर्म का उपयोग करके हम क्या करेंगे, एपी बटे बोलिए पीएस, एपी बटे पीएस, तीन समांतर रेखा तिर्यक गुणा तिर्यक रेखा खंड का मैंने एक प्रमेय वीडियो बना के रखा हुआ है, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो एपी बटे पीएस हो जाएगा और डीसी बटे सीबी हो जाएगा, डीसी बटे सीबी, और यहां पर अनुपात हो जाएगा एम और एन अनुपात, इनका अनुपात क्या, एम अनुपात है एन, ठीक है। अब ध्यान सुनेंगे आप लोग, तो एपी बटे पीएस बराबर डीसी का मान कितना बोलो, तो डीसी का मान हमारे पास है एक्स माइनस एक्स वन बटे पीएस का मान हमारे पास, सॉरी सीबी का मान हमारे पास देखो यहां पर है, सीबी का मान एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर एम का मान कितना है, एम बटे एन, ठीक है। अब ये एपी और पीएस का मान हो गया, ठीक है ना, तो एपी और पीएस का मान हो गया एक्स माइनस एक्स वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर एम बटे एन। अब क्या करेंगे हम लोग, तिरेक गुणा कर देंगे, क्या करेंगे तिरेक गुणा, ध्यान देंगे तो तिरेक गुणा कैसे होगा, एन का गुणा इसके साथ करो, तो एन एक्स माइनस एक्स वन अब बराबर एम एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, तिरेक गुणा कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, मुझे ए एक्स और वाई का निर्देशांक क्या रहेगा वो ज्ञात करना है, तो मैं इधर एन का अंदर गुणा कर दूंगा, एन एक्स माइनस एन एक्स वन बराबर एम एक्स टू माइनस एम एक्स वन, ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स एक्स आएगा, यहां पर कॉमा है तो मैंने वहां पर वन लिख दिया था, तो यहां पर एक्स आएगा सिर्फ, ठीक है, तो यहां पर भी एक्स रहेगा, यहां पर भी एक्स रहेगा, तो अब आएगा आंसर हमारा कि भाई यहां पर हो गए, तो एक्स एक्स वाले की तरफ लिख दो, ये देखो यहां पर ए एन एक्स और ए एम एक्स दोनों एक तरफ लिख दो, तो एम एक्स प्लस एम एक्स, यहां पर एन एक्स है, क्या है एन ए, ठीक है, बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, यहां पर समझ में आ गए स्टूडेंट, अब यहां पर क्या है x है, यहां पर भी x क्या है कॉमन, तो मैं x कॉमन ले लूंगा और यहां पर बचेगा m प्लस एन, एन प्लस एम बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, ठीक है। अब मुझे x का मान चाहिए, मुझे क्या चाहिए x का मान चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर x का मान चाहिए, तो x बराबर हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे ये जो एम प्लस एन है, यहां पर लिख दीजिए एम प्लस एन, समझ में आ गया, तो आपके बिंदु P का x निर्देशांक आ गया, बिंदु P का x निर्देशांक आ गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, y निर्देशांक कैसे आएगा, यदि मैं ये लंब x अक्ष पर न गिराकर, मैंने ये लंब किस पर गिराया, x अक्ष पर न गिराकर मैं अगर y अक्ष पर गिराता तो इसका उल्टा आता, ठीक है, x की जगह y आता, समझ में आ रहा है, अगर मैं ये लंब को x अक्ष पर नहीं गिराता और मैं y अक्ष पर गिराता तो यहां पर y1, y2, y3 हो जाता, मतलब y1, y, y2 हो जाता इसकी जगह पर, तो अगर इसी प्रकार y बराबर कितना हो जाएगा मुझे बताओ, तो जहां जहां पर x है वहां पर क्या आ जाएगा y, m y2 plus n y1 बटे m plus n, समझ में आ गए स्टूडेंट, ठीक है। तो बिंदु P का जो x निर्देशांक रहेगा, बिंदु P का x और y, तो बिंदु P का x निर्देशांक आ गया आपका एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन, ए हो गया x निर्देशांक और हो जाएगा y निर्देशांक क्या, एम वाई टू प्लस एम वाई वन एन वाई वन एन वाई वन एम प्लस एन, ठीक है, ये आपका विभाजन सूत्र बनकर तैयार है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, विभाजन सूत्र बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, विभाजन सूत्र। इस तरह से विभाजन सूत्र आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र ज्ञात करूंगा, रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र ज्ञात करूंगा, ध्यान देंगे स्टूडेंट एकदम अच्छे से ध्यान देंगे, क्या ज्ञात करना मुझे, रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र,
रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र चाहिए, तो रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र चाहिए तो आपको सबसे पहले एक रेखाखंड लेना पड़ेगा जिसका नाम आपका लेंगे ए बी, और मध्य बिंदु मतलब ऐसा एक बिंदु को ले लो जो ए और बी में समान दूरी पर रहे, ठीक है, इसका नाम ले लिया मैंने एम, ठीक है। अब ए क्या करेगा, एम और एन के अनुपात में विभाजित कर दिया, तो जब चूंकि बिंदु एम यह ए बी का क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। जब मध्य बिंदु होता है तो दो समान अनुपात में काटता है, मध्य बिंदु क्या करता है, उस रेखा को दो समान भाग में बांट देता है, इसलिए यहां पर हो जाएगा एम बराबर एन, ठीक है ना, एम बराबर क्या रहने वाला है, एन रहने वाला है, एन का मान एन के मान के बराबर रहेगा, अगर ये इसका मान दो रहेगा तो इसका मान भी क्या रहेगा, दो रहेगा, मध्य बिंदु का इतना तो जानते होंगे आप लोग। अब हम लोग लगाते हैं विभाजन सूत्र, ठीक है, विभाजन सूत्र लगा लेते हैं, x का मान क्या होता है विभाजन सूत्र में, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन, चूंकि यहां पर m और n बराबर है तो यहां पर मैं m की जगह n और n की जगह m भी लिख सकता हूं, ध्यान सुनते जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा एम एक्स टू प्लस, मैं इस n की जगह मैं m ही लिखूंगा क्योंकि m और n क्या मेरा बराबर है, समझ में आ गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा m और ये भी क्या हो जाएगा m, समझ में आ गया आपका, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, x बराबर एम एम कॉमन है, एम कॉमन ले लीजिए, एक्स टू प्लस एक्स वन बटे दो एम, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या हो जाएगा बाबा, ये एम एम क्या होगा, कट गया, तो इसी प्रकार हम लोग इसलिए लिखेंगे x बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू बटे क्या आ गया टू, ये हम लोग x का निर्देशांक याद कर लिए, ठीक है, एक इसका निर्देशांक आ गया मध्य बिंदु में, एक्स का निर्देशांक आ गया, किसका आ गया, एक्स का, इस तरह मध्य बिंदु का एक्स का निर्देशांक आया। अब मैं क्या याद करता हूं, वाई का निर्देशांक भी याद कर लेता हूं, ठीक है, वाई का निर्देशांक कैसे याद करेंगे, ध्यान देंगे, वाई बराबर क्या होता है, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे क्या हो जाएगा, बोलिए, एम प्लस एन, चूंकि यहां पर m और n क्या है बराबर है तो मैं n की जगह m भी लिख सकता हूं और m की जगह n भी लिख सकता हूं, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, y बराबर एम वाई टू प्लस इस n की जगह मैं क्या लिखूंगा, m लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, m, और यहां पर क्या आ जाएगा y वन, ठीक है। अब यहां पर क्या है m, अब इस n की जगह मैं क्या लिख दूंगा, m, ठीक है, मैंने रिप्लेस कर दिया n को n से रिप्लेस कर दिया है। अब क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, y बराबर m, m कॉमन है तो m मैंने कॉमन ले लिया, y2 टू प्लस वाई वन बटे टू एम, समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, m m क्या होगा, कट जाएगा, तो y का मान आएगा y1 वन प्लस वाई टू बटे दो, ठीक है, इस तरह मेरा y का निर्देशांक आ गया, ठीक है। अगर मुझे m बिंदु का निर्देशांक चाहिए, m का निर्देशांक क्या होगा बाबा, x कॉमा वाई रहेगा, ठीक है, तो यहां पर x का निर्देशांक क्या है बोलो तो मुझे, x1 वन प्लस एक्स टू बटे टू, और y का निर्देशांक क्या रहेगा, y1 वन प्लस वाई टू बटे टू, इस तरह से मैंने x और y का निर्देशांक ज्ञात किया मध्य बिंदु का, ठीक है। अब मैं इसके बाद आपको बताने वाला हूं केंद्र के बिंदु का सूत्र, सेंट्रोइड फॉर्मूला, ठीक है, मैं यहां पर इसको रफ कर लेता हूं, इतना आपको समझ में आया होगा, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हो। अब मैं इसके बाद केंद्रक का फॉर्मूले का सूत्र बताऊंगा, ठीक है। अभी हमको क्या निकालना है, केंद्रक बिंदु का सूत्र, तो केंद्रक बिंदु का सूत्र निकालने के लिए हमको एक आकृति बनानी पड़ेगी, त्रिभुज बनाना पड़ेगा, इस तरह का त्रिभुज रहने वाला है, और यहां पर एक बिंदु की जगह इसका नाम दे देंगे हम लोग ए बी और ए सी, और इसका बिंदु का नाम एम, ठीक है। केंद्रक बिंदु मतलब क्या होता है, केंद्रक बिंदु, ठीक है, केंद्रक बिंदु मतलब होता है जी, जी नहीं तो ओ, केंद्रक बिंदु को हमेशा जी नहीं तो ओ द्वारा दर्शाया जाता है, तो यहां पर आएगा जी, ठीक है। अब यहां पर ए का निर्देशांक मान लेते हैं एक्स वन वाई वन, ठीक है, बी का निर्देशांक मान लेते हैं एक्स टू वाई टू, और सी का निर्देशांक मान लेते हैं एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है ना, और बिंदु एम का तो निर्देशांक आप पता ही लगा सकते हो, तो क्या हो जाएगा, अगर ए का निर्देशांक एक्स वन वाई वन है, बी का एक्स टू वाई टू है, सी का एक्स थ्री वाई थ्री, मान लिया मैंने, लिख के भी दिखा सकते हो आपको, यहां पर ऐसा लिख के दिखा सकते हो, जैसे बिंदु ए का माना बिंदु ए का निर्देशांक
एक्स वन वाई वन, ठीक है, बिंदु बी का निर्देशांक एक्स टू वाई टू, और बिंदु सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु सी का निर्देशांक एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है ना, एक्स थ्री वाई थ्री। तो अब अगर ये तो बात हो गई, अब यहां पर मालूम पड़ेगा कि बिंदु जो M है ना, बिंदु M यह AC का क्या है, AC का मध्य बिंदु है, क्या AC का मध्य बिंदु है, ठीक है, AC का क्या है मध्य बिंदु है। इस प्रकार बिंदु M का जो निर्देशांक रहेगा वो क्या हो जाएगा, बिंदु M का निर्देशांक अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा आपका एक्स वन प्लस एक्स टू बटे टू और वाई वन प्लस वाई टू बटे टू। अच्छा एक क्यों लिखा मैं, क्योंकि M जो है वो मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु का निर्देशांक यही होता है, मध्य बिंदु का सूत्र यही है, ठीक है, मध्य बिंदु का सूत्र क्या है यही है, तो M हो गया, ठीक है। अब मेरा जो G है ये केंद्रक का बिंदु है, क्या है केंद्रक का बिंदु, और जो G केंद्रक बिंदु है ना वो विभाजन सूत्र का काम कर रहे हैं यहां पर, मतलब यहां पर B और M को क्या क्या विभाजित किया है, लेकिन विभाजित करेगा तो वहां पर आपको मालूम विभाजन सूत्र हमने देखा था M और N भी आते हैं, ठीक है, तो यहां पर M और N दो रहेंगे, दो अनुपात एक में रहने वाले हैं, ठीक है, तो यहां पर M और N का अनुपात कितना आने वाला है, M बराबर N, M अनुपात N बराबर रहेगा दो अनुपात एक, मतलब M का अनुपात मान दो रहेगा और N का मान कितना रहेगा एक। अब मुझे G का निर्देशांक चाहिए, G क्या B और N को विभाजित किया है, तो G का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो B क्या हमारे पास X2 Y2 है, ठीक है, तो G का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमको क्या करें, G का यहां पर ध्यान दो X निर्देशांक और Y निर्देशांक ज्ञात करना है G पर, ठीक है, बिंदु G का हमको सूत्र ज्ञात करना है केंद्र का बिंदु, तो बिंदु के x निर्देशांक और y निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा, x क्या हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन, ठीक है, विभाजन सूत्र से, कौन से सूत्र से, विभाजन सूत्र, ठीक है ना, विभाजन सूत्र से आपको मालूम पड़ा है, यहां पर हमने विभाजन सूत्र देखा था इससे मालूम पड़ा है, ठीक है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, x निकाल रहे हैं, किसका केंद्रक बिंदु का x निर्देशांक निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद y निर्देशांक निकालेंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये जो केंद्रक बिंदु है वो किसके बीच में, b और m के, तो b जो हो जाएगा वो काम करेगा x1 का, मतलब b का a x1 है और a है y1, और a काम करेगा x2 का, a काम करेगा y2 का, समझे ना, तो अभी ध्यान सुनते जाना आप लोग, x बराबर m, m का मान कितना हमारे पास, m का दो दो, x2 का मान कितना बताइए, ये देखो यहां पर x2 का मान है, तो x1 प्लस x2 बटे 2 प्लस x, फिर क्या है, इतना समझे आप लोगों, ठीक है, और यहां पर आएगा n का मान कितना हमारे पास, n का मान बोलिए ना कितना है स्टूडेंट, यहां पर ना m का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3, x3 है ना यहां पर, तो यहां पर भी क्या आएगा, x3 आएगा, क्या आएगा, x3 आएगा, ठीक है, तो यहां पर n का मान कितना, एक है, तो एक लिख दिया, और क्या x1 है, क्या है x1 है, ठीक है, तो बटे क्या कितना हो जाएगा, m का मान है दो और n का मान है एक, ठीक है, यहां पर ध्यान देना x1 प्लस x3 है, टू मत लेना क्योंकि c का निर्देशांक थ्री में है, ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा ये दो और दो क्या होगा, कट गया, ठीक है, तो यहां पर x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 और यहां पर एक का गुणा करेंगे तो ये बाबू क्या है, x1 का मान कितना हमारे पास, x1 का मान x2 है, तो कंफ्यूजन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा x2, ठीक है, बटे तीन। अब इसको सीरियल नंबर से लिख देते हैं, तो x1 प्लस x2 बटे x3 बटे तीन, ये हमारा x का निर्देशांक आ गया, किसका केंद्र होगा, केंद्रों का हमको x निर्देशांक मानना पड़ेगा, जिस तरह हमने x का निर्देशांक ज्ञात किया ठीक उसी तरह हम लोग y का भी निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, y का निर्देशांक क्या आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, इस तरह हमने क्या ज्ञात कर लिया, y का भी निर्देशांक ज्ञात किया, ठीक है, एक केंद्रों का सूत्र आएगा, जब केंद्र बिंदु का सूत्र निकालने बोलेगा तो x अगर निकालना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 करेंगे, और अगर y का निर्देशांक निकालना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे तीन। तो इस तरह से हमने देखा
कि भाई विभाजन सूत्र क्या होता है वो समझ में आ गया हमको, और रेखाखंड के मध्य बिंदु का फॉर्मूला भी मैंने बताया कैसे आता है, फिर केंद्र बिंदु का सूत्र ये भी कैसे आता है बताया मैंने। यहाँ पर थोड़ा x1 x2 x3 पे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन आप ध्यान से देखोगे और करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इन्हीं तीनों सूत्रों के ऊपर हमारा प्रश्न संग्रह 5.2 जो है वो करेंगे। तो स्टूडेंट मैंने 2.1 का पहला सवाल यहाँ पर लिख लिया है। हमने इसके पहले विभाजन सूत्र, मूल बिंदु मध्य बिंदु का सूत्र और केंद्रक का बिंदु का सूत्र, ये तीनों सूत्र हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग उसी तीनों सूत्र का उपयोग करके हमारा ये प्रश्न हम लोग क्या करने वाले, हल करने वाले। ये 5.2 है, ठीक है। तो पहला सवाल मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, क्या है पहला सवाल, यदि बिंदु पी बिंदु ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को, ठीक है, 2:3 में विभाजित करता है तो बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात करो। मतलब हमारे पास ये रेखाखंड है, ठीक है, एक रेखाखंड का नाम क्या है हमारे पास ए और इसका नाम क्या है बी, और यहाँ पर एक बिंदु आ जाता है पी, इसका नाम क्या है पी, जो क्या करता है 2:3 में इसको क्या करता है विभाजित कर देता है, ठीक है, 2:3 में विभाजित करता है। और यहाँ पर ए का मान कितना रहेगा हमारे पास -1 और 7, और बी का मान रहेगा यहाँ पर 4 और -3। तो P का निर्देशांक क्या रहेगा x, y, ठीक है, और A जो 2 है वो हो जाएगा m और 3 हो जाएगा n, ठीक है, यहां तक, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, हमको हल करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, A बराबर x1 y1 बराबर रहेगा -1, 7, ठीक है। तो यहां पर x1 का मान हो जाएगा, सॉरी ये हो गया इतना, फिर b का मान मान लेंगे हम लोग x2 y2, b को क्या मान लेंगे x2 y2 मान लेंगे, फिर b को x2 y2 माना तो क्या हो जाएगा 4 और -3। तो यहाँ पर x1 का मान हमको मिल गया -1, y1 का मान मिल गया 7 और x2 का मान मिल गया 4 और y2 का मान हमको मिल गया है -3। अब हम लोग क्या करते हैं, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और दिया है, m/n दिया गया है 2:3, मतलब m का मान है 2 और n का मान कितना है 3। इस तरह से हमको हमारे मान दिया गया है। अब हम लोग क्या करने वाले, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है विभाजन सूत्र का फॉर्मूला, तो हम लोग बोलेंगे विभाजन सूत्र द्वारा क्या होता है, x का निर्देशांक अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको मालूम है m(x2) + n(x1)/2 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अभी x ज्ञात करेंगे, हम लोग y ज्ञात करेंगे, x बराबर, तो x2 का मान कितना है 4, n का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 4 प्लस n का मान कितना है देखो 3 है, 3, x1 का मान देखो यहाँ पर -1 है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा 2 + 3, तो यहाँ पर x का मान आएगा हमारे को 2 × 8 और 3 का गुणा 1 के साथ करें -3/5। अब क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 8 × 3 जाएगा 5/5, तो x का मान हमारे को कितना आ गया बोलिए तो 1 आ गया। x का मान कितना आ गया हमको 1 आ गया। इसी प्रकार हम लोग किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे y का, तो y बराबर हो जाएगा (my2) + (ny1)/(m+n)। ये विभाजन सूत्र का क्या फॉर्मूला है, तो हम लोग y का मान निकालना है, इसलिए m का मान हो जाएगा 2 और y2 का मान देख लो यहाँ पर -3 है, प्लस n का मान कितना हमारे पास 3 है, और y1 का मान देख लो यहाँ पर कितना 7 है, ठीक है। सारी चीज ऊपर मैंने लिख के रखा हुआ है, तो m + 2 + 3, तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 2 × 3 − 6 + 3 = 21 बटे 5। अब 21 में 6 जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों 15, 15 बटे कितना हो जाएगा 5, तो अब 15 को 5 से भाग देंगे तो y बराबर आ जाएगा 3 × 5 = 15, तो y का मान कितना आ गया स्टूडेंट, y बराबर 3 आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमको क्या कह रहा है, बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करो, तो हम लोग लिखेंगे उत्तर, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चों, x का मान है 1 और y का मान है 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 और 3 है, समझा। इस तरह हमारा पहला सवाल हल हुआ, बहुत आसान था, विभाजन सूत्र लगा के हमने हल किया है। अब मैं करूंगा दूसरा सवाल, ठीक है। यहां तक यहाँ पर दूसरा सवाल लिख के रखा है, दूसरा सवाल क्या है पहले मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर टोटल 3 सवाल है, तो मैं 2 सवाल करवाऊंगा और 1 सवाल आपको क्या देने वाला हूँ, मैं होमवर्क देने वाला हूँ, तो पहले ध्यान से देखिएगा फिर आप लोग वो सवाल कर लेंगे। नीचे दिए गए उदाहरण में रेखाखंड PQ a/b के अनुपात में विभाजित करता है, ये जो रेखाखंड PQ है को a/b में विभाजित करता है,
करने वाले बिंदु ए का निर्देशांक, वो जो बिंदु है उस बिंदु का नाम क्या है, ए। ए क्या करता है, ए पी क्यू को ए और पाथ बी में क्या करता है, विभाजित करता है। तो निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ए का क्या निकाल है आपको, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आपके पास बिंदु क्या है, पी है और बिंदु क्यू है और उनका अनुपात दिया गया। मान लेते हमारे पास बिंदु इस तरह से होगा, इधर होगा पी और इधर होगा क्यू, और यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पर पी क्यू है तो नीचे बीच में क्या रहेगा, ए। तो यहां पर ए अनुपात क्या कर रहा है, बीच बी में विभाजित कर रहा है, ए अनुपात बी में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो ए का मान कितना हो गया यहाँ पर दो, और बी का मान कितना हो गया यहाँ पर एक हो गया, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस बिंदु ए का जो निर्देशांक है, ये बिंदु जो ए है इसका हमको क्या निकालना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं, माना पी जो रहेगा एक्स वन वाई वन का काम करेगा, जो कि हमारे पास है माइनस तीन और सात, और क्यू जो रहेगा मेरा है वो एक्स टू वाई टू का काम करेगा, ठीक है, जो मेरे पास है एक माइनस चार, सवाल में दिया हुआ है। तो यहां पर एक्स वन का मान कितना आ गया बच्चों, माइनस तीन, वाई वन का मान कितना आ गया सात, और एक्स टू का मान कितना आ गया एक, वाई टू का मान हमारे पास आ गया माइनस चार, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब विभाजन सूत्र लगा दीजिए, विभाजन सूत्र द्वारा क्या लिखूंगा, विभाजन सूत्र द्वारा, विभाजन सूत्र से क्या मान पड़ेगा, ध्यान देंगे बच्चों, हमको पहले x निकालना है, तो एम एक्स टू प्लस एम एक्स वन बटे क्या हो जाएगा, अच्छा यहां पर m और n नहीं आएगा, यहां पर a और b है, तो मैं यहां पर ab लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ab, a b, क्योंकि अनुपात यहां पर m और n नहीं है, यहां पर ab है, तो यहां पर ab आएगा, तो नीचे भी आएगा a प्लस बी। तो x का मान आएगा, a का मान कितना बच्चों हमारे पास, a का मान है दो, तो दो एक्स टू का मान कितना हमारे पास एक, प्लस बी का मान कितना है एक, और एक्स वन का मान कितना माइनस तीन, तो यहां पर हो जाएगा दो प्लस एक, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों। तो दो एकम दो, और एक का गुणा माइनस तीन के साथ करें माइनस तीन, और दो प्लस एक तीन, तो हमारा एक्स का मान आएगा माइनस एक बटे तीन, ये हमारा किसका निर्देशांक आ गया, एक्स का निर्देशांक आ गया, ठीक है, एक्स का निर्देशांक हमारा आ चुका है। अब हम लोग जैसे जिस तरह एक्स का निर्देशांक ज्ञात किए, उसी तरह हम लोग क्या ज्ञात करें, वाई का निर्देशांक, तो वाई बराबर हो जाएगा ए वाई टू प्लस बी वाई वन बटे ए प्लस बी, यहां पर m और n की जगह पर क्या है, ए बी है, ठीक है, इसलिए y बराबर a का मान हमारे पास दो है और b का मान एक है, तो दो, y2 का मान हमारे पास माइनस चार है और b का मान हमारे पास कितना, एक है, और y1 का मान देखना हमारे पास सात है, ठीक है, सारे मान रख दिया मैंने, दो प्लस एक कर दिया, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, दो चौक कितना हो जाएगा माइनस आठ, प्लस एक का गुणा सात में करेंगे सात, ठीक है, यहां समझ में, दो प्लस एक कितना हो जाएगा तीन। अब इसलिए y बराबर माइनस आठ प्लस सात कितना हो जाएगा, माइनस एक बटे कितना हो जाएगा तीन, बच्चों यहां तक समझ में आ गया आप लोगों, हाँ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, विभाजित करने वाले बिंदु ए के निर्देशांक, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेखाखंड पी क्यू को, इसलिए उत्तर रेखाखंड पी, पी का निर्देशांक क्या, पी का निर्देशांक माइनस तीन सात, और क्यू, क्यू का निर्देशांक कितना हमारे पास एक माइनस चार, एक माइनस चार को विभाजित करने वाले बिंदु किसका, बिंदु, बिंदु का नाम क्या, बिंदु, बिंदु का नाम क्या, ए का निर्देशांक कितना आ गया, माइनस एक बटे तीन, माइनस एक बटे तीन, क्योंकि x का मान भी माइनस एक बटे तीन है और y का मान भी कितना है इसका, माइनस एक बटे तीन है। अब मैं करूंगा इसका दूसरा सवाल, तो यहां पर ये पहला सवाल हो गया, टोटल इसके अंदर तीन सवाल दिए हुए हैं, तो ये पहला सवाल हुआ, समझ में आ गया आप लोगों। अब मैं एक सवाल और करूंगा, एक सवाल आप लोग के लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा बच्चों, यहां पर p का निर्देशांक माइनस दो माइनस पांच है, q का निर्देशांक चार और तीन है, a अनुपात b, तीन अनुपात चार दिया गया है, हमको क्या ज्ञात करना है, a का निर्देशांक ज्ञात करना है। फिर से हम लोग क्या करने वाले, हल करने वाले, क्या करेंगे हल, देखो यहां पर हल में क्या हो जाएगा, माना p को मान लीजिए, माना p x1 y1, ये जो p है वो x1 और y1 का काम करेगा, तो हमारे आंसर आ जाएगा माइनस दो और माइनस पांच, ठीक है, और q जो है हमारा वो x2 y2 का काम करने वाला है, x2 y2 बराबर, तो कितना आया चार तीन, ठीक है, तो यहां पर x1 का मान हमको आ गया है माइनस दो और y1 का मान हमको आ गया माइनस पांच, ठीक है, तो x2 का मान कितना आ जाएगा बोलो मुझे, x2 का मान हमको रहेगा चार और y2 का मान रहेगा तीन, इस तरह से हमारा
मान निकल गया गया। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, और ए ने क्या किया है, ए अनुपात बी में उसको विभाजित किया है, तो -2:3:4 में, 3:4, इसलिए ए का मान है 3 और बी का मान हो जाएगा 4। ठीक है, अब मैं लगा देता हूं विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र द्वारा, विभाजन सूत्र द्वारा मालूम पड़ेगा हमको क्या आएगा आंसर। ठीक है, तो x का निर्देशांक ज्ञात करो तो x बराबर m, सॉरी यहां पर m आएगा क्या, नहीं यहां पर आएगा ab, तो ax2 + bx1 / कितना हो जाएगा a प्लस बी, तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, a का मान है 3 और a2 का मान कितना हमारे पास, a2 का मान है 4 प्लस b का मान कितना है 4, x1 का मान कितना हमारे पास -2 है। ठीक है, यहां तक तो हो जाएगा 3 + 4, तो x का मान हमारे को आ गया है 3 × 4 = 12 और 4 गुना कितना हो जाएगा 8 और 3 × 4 = 7, इसलिए मैं बोलूंगा x बराबर 12 में से 8 आएगा कितना आएगा बच्चों, 12 में से 8 आएगा 4 / 7, तो इस तरह x का निर्देशांक हमने निकाल लिया है। अब निकालना है हमको किसका, y का निर्देशांक, किसका y का, तो मैं क्या बोलूंगा y बराबर ay2 + by1 / a + b, ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, यहां पर m और n को रिप्लेस किया है a और b ने, इसलिए क्या मैं बोलूंगा y बराबर हो जाएगा a की जगह a का मान रखो 3 और y2 का मान हमारे पास कितना है 3 प्लस b का मान हमारे पास कितना है 4 और y1 का मान कितना हमारे पास देख लो -5, दिख रहा है ना आपको, 3 × 3 = अच्छा यहां पर 3 और 4 लिख दीजिए, और y बराबर हो जाएगा 3 × 3 = 9 प्लस 4 × 5 = 20, तो कितना आ जाएगा -20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -20 और ये 7, इसलिए मैं बोलूंगा y बराबर -20 में से 9 जाएगा कितना आएगा -11/7, ये हमारा आ गया y का निर्देशांक। बच्चों यहां तक समझा आप लोगों, हाँ चलो यहां तक समझ में आ गया, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे उत्तर, क्या लिखेंगे उत्तर, उत्तर में क्या लिखना ध्यान देंगे, क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे रेखाखंड, रेखाखंड P, P का निर्देशांक कितना था हमारा -2 - 5 और Q, Q का निर्देशांक कितना हमारे पास 4 और 7 = 4 + 3 को विभाजित करने वाले, को विभाजित करने वाले बिंदु A का निर्देशांक कितना बाबा, बिंदु A का निर्देशांक कितना हो जाएगा 4/7 और -11/7 है, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर आ गया। अब हम लोग, हमारे पास जो 3 सवाल है टोटल, मैंने 1 और 2 सवाल कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में, मतलब प्रश्न क्रमांक 2 में टोटल 3 सवाल है, मैंने पहला और दूसरा किया है, आपको 1 सवाल बचा हुआ है, वो आपको होमवर्क के रूप में करना है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे सवाल नंबर 3, मैंने यहां पर तीसरा और चौथा सवाल लिख दिया, तीसरा चौथा सवाल लिखने का कारण था कि छोटे छोटे सवाल है, एक बार में हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं तीसरा सवाल पहले पढ़ लेता हूं, क्या है, यदि पीटीओ है तो, यदि पीटीओ, पीटीओ मतलब पीटीओ, ये जो है एक ही रेखा पर, पहले पी आएगा फिर टी आएगा फिर ओ आएगा, तो टी का निर्देशांक हमारे को दिया -1 और 6, पी का निर्देशांक दिया -3 और 10 और क्यू का निर्देशांक दिया 6 और -8, तो जुड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में क्या करें विभाजित करेगा, किस अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब वहां पर क्या, किसका मान निकालना है आप लोग को, m का मान और n का मान निकालना है, m अनुपात n रहता ना, वही दोनों का मान हमको ज्ञात करना है। मान लेते हमारे पास यहां पर क्या, एक रेखाखंड है, इसका नाम दे देते पी टी और ए ओ। ठीक है, तो पी का निर्देशांक हमारे को -3 और 10 है, टी का निर्देशांक हमारे को -1 और 6 है और ओ का निर्देशांक देख लो 6 - -8 है, यहां पर समझ में आ गया। अब ध्यान देंगे तो हम लोग माना, क्या मानना पड़ेगा ना जी, बिना माने तो होगा नहीं, कि माना, माना जो पी है वो एक्स वन और वाई वन का काम करेगा, तो हमारे पास -3 और 10 है, फिर क्यू जो है वो एक्स और वाई का काम करेगा। ठीक है, एक्स वन वाई वन हो जाएगा, एक्स टू वाई टू हो जाएगा, ये एक्स एक्स और वाई का काम करने वाला है, तो हमारे पास -1 और 6 है इसके लिए, और ओ पी टी ओ, सॉरी यहां पर टी आएगा, टी ओ एक्स टू और वाई टू का काम करने वाले हैं लोग, तो हमारे पास 6 और कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, यहां तक समझ में आ गया बच्चों। तो हमारे को मालूम हो गया एक्स वन का मान हमको मालूम पड़ा 3, एक्स का मान मालूम पड़ गया है -1
और x2 का मान कितना है 6। इसी प्रकार y1 का मान है 10 और y का मान है 6 और y2 का मान है -8। यहां तक समझा? अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई विभाजन सूत्र लगाएंगे, विभाजन सूत्र से क्या करेंगे इसको हल कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे विभाजन सूत्र द्वारा, विभाजन सूत्र द्वारा या से लिखो, विभाजन सूत्र द्वारा, विभाजन सूत्र से हम लोग विभाजन सूत्र लगा लेते। क्या होता है विभाजन सूत्र? तो हमको अगर x का मान चाहिए तो mx2 + nx1 / m + क्या होता है n होता है, ठीक है। x का निर्देशांक हमारे को यहाँ पर -1 दिया हुआ है बराबर। अब m का मालूम नहीं है, m और n तो आपको निकालना है, अनुपात आपको निकालना है। x2 का मान हमको बोल दो कितना है 6 प्लस n, x1 का मान हमको मालूम -3 है, बटे क्या हो जाएगा एम प्लस एन, क्या हो जाएगा एम प्लस एन हो जाएगा। अब एम प्लस एन का गुणा करो इसके साथ, तेरे गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा -m - n हो जाएगा। जब -1 के साथ गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 6m - 3 है। अब हमको सजाती पदों को एक तरफ लेना है, ठीक है, एम एम वालों को एक तरफ और एन एन वालों को एक तरफ। इसलिए मैं क्या बोलूंगा -m - 6m = -3n, एक एन यहाँ पर जाएगा प्लस एन हो जाएगा। तो -6 और -1 - 7m = -2m, तो माइनस माइनस कट गया तो अभी हमारा आंसर आ जाएगा कितना, ये माइनस माइनस कट गया जी, तो क्या हो जाएगा, इसलिए m बटे n को गुणे में यहाँ पर भाग हो जाएगा m/n = 2:7। इसलिए हमारा उत्तर हो गया, उत्तर क्या आ गया, वो विभाजित करने वाले मतलब जो लाइन लिखी बिंदु टी पी क्यू को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:7 में क्या करता है, विभाजित करता है 2:7, ठीक है। हमारा क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है। अब हम लोग कर लेंगे चौथा सवाल, कौन सवाल करना हमको चौथा, रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी ये वृत्त का क्या है व्यास, व्यास मतलब समझता त्रिज्या का दुगुना, ठीक है ना, व्यास मतलब समझता हुआ, जिसका केंद्र बिंदु क्या है पी है और ए का निर्देशांक दिया है 2 - 3, पी का निर्देशांक दिया है -2 - 0 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सॉरी पी का निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा कि बी का ज्ञात करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या है वृत्त है, ठीक है, ए वृत्त में क्या हुई जीवा, इसका नाम हमारे पास व्यास, व्यास का नाम हमारा ए और बी है और बिंदु पी जो है उसका केंद्रक है, ठीक है। तो ए का निर्देशांक दिया गया, ए का निर्देशांक कितना दिया बच्चों 2 - 3 दिया है और पी का निर्देशांक कितना दिया, पी का -2 और 0 दिया है। तो इसका दिया है क्या नहीं, इसको x2 y2 मान लो, ठीक है, x2 y2 मान लो, तो B का निर्देशांक रहेगा x2 y2, जो हमको दिया नहीं हमको वही मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो हमको मानना पड़ेगा, माना A x1 का काम करेगा, y1 का काम करेगा जो कि हमको 2 - 3 दिया हुआ है, ठीक है, और जो P है, जो P है वो x और वो y का काम करेगा जो कि हमको दिया है -2 और 0, और जो आपका B आ रहा है वो x2 और y2 का काम करेगा, हमें माना है वहां पर, तो वो x2 और y2 ही रहने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर x1 का मान हमको मिल गया है -2 और x का मान मिल गया है 2 - 2 और x2 का मान मिल गया है x2, ठीक है, और y1 का मान कितना मिला बच्चों, y1 का मान मिल गया -3, y का मान मिल गया है 0 और y2 का मान मिल गया बच्चों y2, ठीक है ना। ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब लगा दें विभाजन सूत्र, क्या लगा देंगे विभाजन सूत्र, तो हम लोग क्या लिखेंगे विभाजन सूत्र द्वारा, विभाजन सूत्र द्वारा। विभाजन सूत्र क्या होता है, जैसे आपको अगर x का निर्देशांक चाहिए तो आप लिखेंगे x = mx2 + nx1 / m + क्या हो जाएगा बच्चों n, ठीक है। तो यहां पर m और n का मान तो मालूम नहीं है, मान लेते हैं m अनुपाते n, मान लेते हैं कितना 1:1, क्योंकि ये बिंदु p जो है वो ab का क्या है मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, तो इसका अनुपात बराबर ही रहेगा। अगर 2-2 लोगे तो भी 1:1 ही आएगा, 4-4 लोगे तो भी 1:1 आने वाला है, ठीक है। तो x का मान हमारे को मालूम है -2 बराबर, m का मान है 1, x2 का मान हमको मालूम है x2 प्लस n का मान मालूम है 1 और x1 का मान मालूम है 2/1 + 1, ठीक है यहां तक बच्चों। चलो तो अब हम लोग ये 2 हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या बोले -2 = x2 + 2/2, तो 2 का गुणा 2 के साथ करो कितना आएगा बच्चों -4 = x2 + 2, तो इसलिए मैं वो क्या बोलूंगा x2 का मान आ गया -4 - 2, तो x2 का मान आ गया -6,
ठीक है, ए एक्स टू का मान हमको आ गया। अब हमको किसका मान निकालना है, y2 का मान निकालना है, क्योंकि x2 और y2 निर्देशांक है किसके, b के, ठीक है। तो y2 का निर्देशांक याद करेंगे हमको क्या बोलना पड़ेगा, y बराबर m y2 plus n y1 बटे m plus n, और m plus n का मैंने निर्देशांक एक अनुपात एक क्यों लिया है, क्योंकि मेरा p जो है वह ए बी का मध्य बिंदु है, तो इसका अनुपात हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है ना। तो y का मान कितना हमारे पास, जीरो है, बराबर m का मान हमको मालूम नहीं है, मतलब एक है, और y2 का मान हमारे को मालूम है y2 प्लस n का मान एक, और y1 का मान हमारे को माइनस तीन है, बटे भी क्या रहेगा, m प्लस n। अब तिरेक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो बराबर y2 प्लस माइनस तीन, कितना हो जाएगा, माइनस तीन। तो अब माइनस तीन बराबर किस तरफ लाओ, y2 बराबर हो जाएगा तीन, ठीक है। तो y x2 का मान आ गया और y2 का भी मान आ गया, x2 का मान माइनस से आया, y2 का मान कितना आ गया, तीन आ गया। इसलिए मैं उत्तर क्या लिखूंगा बच्चों, उत्तर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बी x2, बी x2 y2, इसका आंसर आ जाएगा माइनस छ और तीन। समझ में आ गया बच्चों, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह हमने तीसरा और चौथा सवाल कर लिया, अब बचे हुए सवाल इसके बाद में एक के बाद एक करके करा देता हूं। इसके बाद मैंने यहाँ पर पांचवा सवाल लिया, चार सवाल हमारे हो चुके हैं, पांचवा सवाल कर लेते हैं। पांचवा सवाल जो हमारे चौथे सवाल से थोड़ा सा मिलता जुलता है, क्योंकि चौथे सवाल में भी हमको अनुपात ज्ञात करना था, पांचवे सवाल में भी हमको क्या ज्ञात करना, अनुपात। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज आ गई, हमको के का मान भी क्या करना है, ज्ञात करना है। हमारे पास दो बिंदु है ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को पी के साथ किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता, मतलब हमको एम और एन का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करो और के का मान ज्ञात करो, ठीक है। मतलब विभाजित करना वो भी ज्ञात करना और के का मान भी ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे, मान लेते हमारे पास एक रेखाखंड है, ठीक है, एक रेखाखंड यहाँ पर है, इस रेखाखंड का नाम है ए बी और इसका नाम है पी, एक बिंदु आ गया पी, पी ने क्या किया ए बी को क्या करके विभाजित कर दिया, और किस अनुपात में विभाजित किया वो अनुपात मुझे मालूम है क्या, नहीं मालूम है। तो मैं यहाँ पर इसका निर्देशांक लिख देता हूँ, ए का निर्देशांक है आठ और नौ, पी का निर्देशांक देखो के और सात है, ठीक है, और बी का निर्देशांक हमारे पास एक और दो है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, हल करने का शुरुआत करते हैं, ठीक है। माना माना जो ए है ना वो एक्स वन वाई वन का काम करेगा, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आठ और नौ, और जो बी है वो एक्स टू वाई टू का काम करने वाला है, तो यहां पर सॉरी एक और दो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक और दो, और यहां पर जो पी है जिसने विभाजित किया ए और बी को उसका निर्देशांक रहेगा एक्स कॉमा वाई, तो हो जाएगा के साथ, ठीक है। तो यहां पर अब सबके निर्देशांक दे देते हैं कि भाई एक्स वन का निर्देशांक कितना हमारे पास आठ, और वाई वन कितना है नौ, एक्स टू कितना है एक, और वाई टू कितना है हमारे पास दो, और एक्स वन एक्स की बात करें तो के है, और वाई की बात करें तो सात है। इस तरह से मैंने सारे निर्देशांक दे दिए। अब मुझे m और n अनुपात चाहिए, तो मुझे अनुपात चाहिए तो विभाजन का क्या लगाना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात तो वहीं से आने वाला है, ठीक है। लेकिन जब विभाजन का सूत्र लगाएंगे तो हम लोग उस x की जगह x और y, क्योंकि विभाजन के सूत्र में दो निर्देशांक निकलते हैं, एक निकलता है x और दूसरा निकलता है y, ठीक है ना। तो x वाला नहीं निकालेंगे, क्योंकि x के यहां पर क्या है k प्लस x का मान k है, तो वहां पर m और n का मान आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि है ना सॉल्व नहीं होगा। तो हमको y वाला निर्देशांक लेंगे और m और n का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे विभाजन सूत्र द्वारा, कौन सा सूत्र द्वारा, विभाजन सूत्र द्वारा। क्या होता है विभाजन सूत्र, x बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर देंगे, x बराबर x का मान कितना है बाबा, यहां पर देख लो x का मान, सॉरी x का नहीं लेना है, यहां पर y लेना, मैंने बोला ना y, y बराबर एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन, वाई का मान कितना हमारे पास सात, सात बराबर m का मान बोलिए कितना, m का मान मालूम नहीं है तो यहां पर हो जाएगा m, y2 का मान कितना हमारे पास दो, और n का मान मालूम नहीं, y1 का मान हमारे पास है नौ बटे m प्लस क्या हो जाएगा n। अब क्या करेंगे लोग, इसका तिरेक गुणा कर दो तो हो जाएगा सात एम प्लस सात एन, सात एन बराबर दो का गुणा m के साथ कितना हो जाएगा दो एम प्लस नौ का गुणा n के साथ कितना हो जाएगा नौ एन, ठीक है। अब क्या करोगे, सजाती पदों की एक तरफ लिखो, मतलब m और n को एक तरफ, n और n को एक तरफ, तो मैं बाएं पक्ष में एम लेता हूं, सात एम माइनस दो
और ये 9 एन हो जाएगा, ये 7 यहां पर प्लस, यहां जाएगा माइनस, ठीक है। अब 7 में से 2 जाएगा 5 एन बराबर, और 7 में से 9 में 7 जाएगा 2 एन, ठीक है। इस तरह से तो m और n का मान निकालना है, तो m बटे क्या हो जाएगा n 2 बटे 5, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, तो m अनुपात n का मान कितना आ गया हमारे पास 2 अनुपात 5, m और n का मान कितना आ गया 2 अनुपात 5। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेखाखंड AB को क्या हमारे पास 8 9 और B का तिरछा क्या हमारे पास B 1 2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को, वो जो बिंदु है P का तिरछा क्या K 7, ठीक है, यह 2:5 में क्या करता है विभाजित करता है, क्या करता है विभाजित करता है, मतलब इसने 2:5 में विभाजित करता है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है इसके बाद हमको निकालना है K का मान, क्या निकालना है K का मान। तो K का मान निकालने के लिए फिर से एक बार विभाजक सूत्र लगाऊंगा मैं, लेकिन इस बार y निर्देशांक लेके मैंने m और n का अनुपात निकाला, तो x वाला निर्देशांक लेके मैं K का मान ज्ञात करूंगा। तो विभाजक सूत्र फिर से लिख दो, विभाजन सूत्र से, ठीक है, विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा भाई बोलिए, x का मान हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस क्या होता है n होता है, ठीक है। यहां पर x का मान क्या है हमारे पास k है, देखो x का मान क्या है हमारे पास k, तो यहां पर लिख दीजिए k, और n का मान आप सबको यहां पर मान पड़ा 2 है, और n का मान कितना है 5, तो 2x2 का मान कितना हमारे पास 1 प्लस एन एक्स वन का मान हमारे पास कितना 8, एन का मान यहां पर 5 और हो गया 8 बटे 2+5, यहां तक समझा बच्चों, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसलिए k बराबर 2 एकम 2 और 5 40/7, अब ध्यान दो 2 और 40 कितना हो जाएगा 42/7 k, इसलिए k का मान हो जाएगा 6, क्योंकि 7 के पहाड़ी में 6 बार में आता 42, ठीक है। इसलिए k का मान क्या आ गया, k का मान क्या आया 6, कितना आ गया 6। तो इस प्रकार हमने पांचवा सवाल किया, अब हम लोग करेंगे छठा सवाल। तो स्टूडेंट्स बच्चों, मैंने यहां पर छठा सवाल लिख दिया, ठीक है। छठा सवाल में क्या निकालना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है, ठीक है। हमारे पास दो बिंदु दिया है, एक बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है, तो जोड़ने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। तो मैं मान लेता हूं हमारे पास एक रेखाखंड यहां पर मैंने बना दिया, क्या है इस ए रेखाखंड का नाम है, ठीक है, ये क्या है रेखाखंड है। अब इस रेखाखंड का नाम मैं देता हूं ए और बी, क्या नाम देता हूं ए और बी, और इसका मध्य बिंदु जो है वो है क्या पी, और आपको मालूम है पी जो रहेगा एपी और पीबी की दूरी क्या रहेगी, बराबर रहेगी, क्यों, मध्य बिंदु का सूत्र है, ठीक है ना। तो यहां पर ए का निर्देशांक हमको मालूम है कितना है बाबा, हाँ कितना है बोलिए, ए का निर्देशांक हमारे पास है 22:20 और बी का निर्देशांक हमारे पास है 0:16, और जो मध्य बिंदु उसका निर्देशांक मुझे नहीं मालूम, जिसको मान लेता एक्स और वाई, ठीक है। हाँ तो अभी हल करते हैं इसको, कैसे हल करेंगे, हमको मध्य बिंदु का सूत्र लगाना पड़ेगा, जैसे विभाजक सूत्र लगाते हैं वैसे मध्य बिंदु का सूत्र लगाइए आप, आंसर आ जाएगा। माना क्या मानना पड़ेगा, जो ए है उसको एक्स वन वाई वन मान लो, और यहां पर 22 और 20 दिया हुआ है मान, और जो बी है उसको एक्स टू और वाई टू मान लो, यहां पर 0 और 16 दिया उसका मान, और भाई ये जो पी है ना मध्य बिंदु उसका निर्देशांक एक्स और वाई है, ठीक है, तो एक्स और वाई ही रहने वाला है, ठीक है ना, एक्स और वाई ही रहने वाला है इसका निर्देशांक। तो यहां पर बताइए एक्स वन का मान हो गया 22, वाई वन का मान हो गया 20, एक्स टू का मान हो गया 0 और वाई टू का मान हो गया 16, ठीक है, और आपको मालूम है एक्स कॉमा वाई ही रहने वाला है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा प्रमेय सूत्र लगाने वाले मध्य बिंदु का, तो हम लोग लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु के सूत्र से, ठीक है। मध्य बिंदु का सूत्र क्या बोलता है, x का अगर निर्देशांक आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, x1 प्लस x2 बटे 2, ठीक है। तो x का निर्देशांक आपको ज्ञात करने के लिए x1 का मान हमारे पास 22 है प्लस 0/2, तो x का मान आ जाएगा 22/2 और हमारा आंसर आने वाला है 11, कितना आ गया आंसर 11 आ गया। इसी तरह हम लोग y का निर्देशांक ज्ञात कर लेते, इसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे y का, तो y बराबर होगा y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है, y1 प्लस y2 बटे 2,
तो y बराबर y1 का मान कितना हमारे पास 20 और y2 का मान हमारे पास 16/2, तो y बराबर आ गया 36/2, तो y बराबर आ गया 18। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, 22 20 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक मैं उत्तर लिखूंगा। उत्तर में क्या है बच्चों, 22 20 22 20 और 0 16 0 16 को जोड़ने वाले वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निर्देशांक कितना आया, कितना आ गया निर्देशांक, 11 और 18 11.18। पहले एक्स का निर्देशांक लिखते हैं और बाद में वाई का निर्देशांक लिखते हैं। इस तरह से मैंने छठा सवाल कर दिया। अब हम लोग करेंगे सातवां सवाल। आपको छठा सवाल समझ में आया होगा, बहुत आसान था, देख लिया मध्य बिंदु का सूत्र लगाया बस। ठीक है, तो हम लोग अब सातवां सवाल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर सातवां सवाल लिख दिया। ठीक है, सातवें सवाल में टोटल 3 सवाल है, तो सातवें सवाल के 3 सवाल है। क्या है, त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हैं, प्रत्येक त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करो। क्या होता है केंद्रक के फॉर्मूला, मैंने बताया, अगर आप पीछे वीडियो पूरा देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या होता है, इस तरह से त्रिभुज होता है हमारा। ठीक है, और यहां पर त्रिभुज का नाम दे देता हूं मैं, ए बी सी, और यहां पर एक मैं की देता हूं माध्यिका, इसका नाम दे देता हूं मैं, और यहां पर होता है केंद्रक जी। ठीक है, अब इसी निर्देशांक आपको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ये जो निर्देशांक जी रहता है ना यहाँ पर, इसका ही निर्देशांक ज्ञात करना है। यहाँ पर मान लेते हैं ए है, ए है बी और ए है सी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सवाल हल करने वाले हैं। तो माना, हल कर रहा हूं मैं, माना कि ए बराबर ए माइनस 7 6 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वन वाई वन हो जाएगा, और बी बराबर जो है 2 माइनस 2 इसको मान लेंगे एक्स टू वाई टू। ठीक है, और सी बराबर जो 8 और 5 दिया है इसको मान लेंगे x3 y3। ये केंद्रों के फॉर्मूले मालूम पड़ता है, केंद्रक का जो केंद्र है उसका जो सूत्र है उसके अंदर मालूम पड़ जाता है कि भाई x1 y1 x3 तीन लिया जाता है और y1 y2 y3 इस तरह से लिया जाता है। अगर अब क्या लिखे केंद्रक के सूत्र से, केंद्रक के सूत्र से, केंद्रक का सूत्र क्या होता है कि अगर आपको x का निर्देशांक ज्ञात करना है, यदि आपको x का निर्देशांक ज्ञात करना है तो x1 + x2 + x3 / 3 करना पड़ेगा। तो x1 का मान कितना है भाई, -7 + 2 + 8 कितना आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 8 2 10 10 में 7 जाएगा 3 3/3 मतलब कितना आ गया आंसर, 1 आ गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, x का निर्देशांक आ गया। किसका निर्देशांक आ गया, x का। अब मैं निकालना है y का निर्देशांक, तो क्या आ जाएगा, y1 + y2 + y3 कितना हो जाएगा 3। तो y1 का मान है कितना, 6 - 2 + 5/3 तो कितना आ जाएगा, 6 - 2 + 5/3 तो कितना, 6 में 2 जाएगा 4 4 और 5 9 9/3 मतलब कितना आ जाएगा आंसर 3। तो ये हमारा किसका मान आ गया, y का मान आ गया। ठीक है, तो केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करो, तो केंद्रक का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसलिए उत्तर केंद्रक का निर्देशांक, पहले x का निर्देशांक लिखो, 1.3 है, समझ में आया बच्चों। ठीक है, अब हम लोग करेंगे दूसरा सवाल। ठीक है, एकदम सेम टू सेम इसे कॉपी पेस्ट करना है बस, आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहला सवाल। अब हल करेंगे इसको, हल करने मान लो पड़े, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी और इसको मान लो क्या सी। यहाँ पर आप लोग त्रिभुज बना के भी दिखा सकते हो कि भाई ए ए है, ए बी है और ए सी है, यहाँ पर इसका निर्देशांक लिख दीजिए और यहाँ पर मान लीजिए उसका केंद्रों का नाम क्या है, जी। ठीक है, और ये जी का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि भाई ए है, माना माना ए जो मेरा 3 और -5 है उसको मान लेंगे x1 y1। ठीक है, बी जो है वो 4 और 3 है इसको मान लीजिए आप x2 y2, और जो सी आपका है 11 और -4 इसको मान लीजिए x3 y3। ठीक है ना, इस तरह। और माना केंद्रक, जो केंद्रक है, माना केंद्रक जी है, कौन है जी, केंद्रक का नाम मान लेते जी है।
यहाँ पे समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है, इस जी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा बोलिए, केंद्रक के सूत्र से। कौन सा फॉर्मूला, केंद्रक, केंद्रक के सूत्र से, ठीक है। केंद्रक का सूत्र क्या होता है, अगर आपको एक्स का निर्देशांक चाहिए, यदि आपको एक्स का निर्देशांक चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बटे तीन। अब बताइए मुझे एक्स वन का मान कितना है, तीन, एक्स टू का मान चार, एक्स थ्री का मान ग्यारह। तीन प्लस चार प्लस ग्यारह बराबर कितना हो जाएगा, बटे तीन बराबर अठारह बटे तीन, आंसर आ जाएगा छह, ठीक है। इस तरह से हम लोग हल कर देंगे। और y का निर्देशांक कितना आएगा भाई, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे तीन। और y1 का मान कितना है, माइनस पांच प्लस तीन प्लस माइनस चार बटे तीन। अब यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, ये माइनस पांच हो गया, ये प्लस तीन प्लस माइनस माइनस बटे तीन। अब ध्यान दो, माइनस पांच माइनस चार कितना हो, माइनस नौ, माइनस नौ में से प्लस तीन करेंगे तो माइनस छह हो जाएगा, माइनस छह बटे तीन, और आंसर आ गया आपका माइनस दो, ठीक है। ये आपके एक्स का निर्देशांक आ गया, ये आपका वाई निर्देशांक आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर केंद्रक का निर्देशांक, क्या लिखेंगे, उत्तर, उत्तर केंद्रक का निर्देशांक कितना आ जाएगा बताइए। पहले एक्स का निर्देशांक लिखो छह, छह कॉमा माइनस दो है, ठीक है। अब ये सवाल जो है, ये सवाल जो है, इसको आपको एज अ होमवर्क करना है, ठीक है, होमवर्क, ठीक है। और मुझे इसको कमेंट करके बता देंगे आप लोग, कमेंट करके बता देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। क्योंकि आपके ये दोनों सवाल समझ में आ गए तो आप आसानी से कर दो, यही फॉर्मूला लगाना, सेम टू सेम रखना है, मान रखना है और स्थापित करके सवाल को हल कर देना है। और इसका आंसर जो भी आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा क्या आंसर आया है, ठीक है। अब मैं करता हूं अगला सवाल, आठवां, ठीक है। अगला सवाल कौन सा करेंगे, आठवां सवाल करेंगे। टोटल आई थिंक ग्यारह या बारह सवाल है, तो आठ नौ दस चार पांच और बचे हुए, तो ध्यान से देखते जाइए वीडियो, आपको पूरा समझ में आएगा। स्टूडेंट मैंने आप पर सवाल नंबर आठ लिख के रख दिया है, सवाल नंबर आठ में भी केंद्रक क्या फॉर्मूला लगने वाला है, केंद्रक का जो सूत्र है वही लगने वाला है। कैसे मालूम पड़ गया मुझे, यहाँ पर त्रिभुज लिखा होगा, ठीक है। और इस पार्ट में अगर त्रिभुज की बात करेगा तो समझ जाएगा केंद्रक का ही सूत्र लगने वाला है। त्रिभुज एबीसी में बिंदु जी जो है केंद्रक है, वो जो केंद्रक का नाम है उसका नाम क्या है, जी। बिंदु ए बी और जी, आप लोग घाई घाई इसको सी मत समझ लेना, ठीक है, नहीं तो बहुत लोग उसको सी समझ के सी का निर्देशांक निकाल लेंगे और जी का निकालने का प्रयास करेंगे। फिर निर्देशांक क्रमश माइनस चौदह माइनस उन्नीस तीन और पांच और माइनस चार माइनस सात है, तो बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके लिए एक आकृति बना देता हूँ, ठीक है, एक त्रिभुज में बना देता हूँ। इस त्रिभुज का नाम मैं दे देता हूँ ए बी और ए सी, और यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ इसका माध्यिका एम, उसका नाम है जी, ठीक है। तो अब मैं सबका निर्देशांक यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई किसका निर्देशांक क्या है। तो ए का निर्देशांक हमको मालूम है कितना है, ए का माइनस चौदह और माइनस उन्नीस, और बी का निर्देशांक ए बी, बी का निर्देशांक तीन और पांच है। तो अगर ये x1 y1 है, x2 और y2 है, तो ये हो जाएगा हमारे इसको मालूम नहीं है तो x3 y3 मान लेंगे, ठीक है। और g का निर्देशांक आपको मालूम माइनस चार माइनस सात, इस तरह से हमको मान दिया गया। और हमको c का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है, c का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो क्या मानेंगे, हल माना जो a है मेरा माइनस चौदह माइनस उन्नीस, इसको मान लूंगा मैं x1 और y1 मान लूंगा, और जो मेरा b है जो मुझे दिया है तीन और पांच, इसको मैं x2 और y2 मान लूंगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों। अब इसको जो c है वो मुझे x3 और y3 ही लेना पड़ेगा, और इसका x3 y3 ही रहने वाला है, ठीक है ना, समझ में आया होगा। और जो मेरा g है जो केंद्रक है उसका निर्देशांक में माइनस चार और माइनस तीन है माइनस सात है, तो ये हो जाएगा एक्स कॉमा वाई, समझ में आ गया। अब सबके निर्देशांक मालूम हम सब यहाँ पर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, x1 का मान कितना हमारे पास माइनस चौदह, x2 का मान सॉरी y1 का मान कितना हमारे पास, y1 का मान माइनस उन्नीस, x2 का मान कितना है तीन, और y2 का मान कितना है पांच, तो x3 मालूम नहीं है, y3 मालूम नहीं है, और x का मान हमारे पास दिया है माइनस चार, और y का मान दिया है माइनस सात। इस तरह हम लोग किसका फॉर्मूला लगाना है, केंद्रक का सूत्र, केंद्रक के सूत्र से, इस केंद्रक के सूत्र से, फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे सवाल को हल। तो
केंद्रक के सूत्र का फॉर्मूला पहले x का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, क्या करना पड़ेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे कितना हो जाएगा 3। अब x का निर्देशांक क्या है हमारे पास, देखो माइनस चार है तो माइनस चार लीजिए बराबर x1 का माइनस चौदह है प्लस x2 का कितना 3 है प्लस x3 का तुमने निर्देशांक मालूम नहीं क्योंकि हमको वही तो ज्ञात करना है, x3 और y3 ज्ञात करना है, ठीक है यहाँ पर आ जाएगा 3। अब लिख दूंगा मैं 3 का गुणा करेंगे माइनस चार के साथ तो माइनस बारह हो जाएगा और माइनस चौदह प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस ग्यारह हो जाएगा, कितना माइनस ग्यारह प्लस x3, ठीक है यहाँ तक। अब ए माइनस ग्यारह है ए बराबर के राइट साइड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस, तो मैं क्या लिखूंगा इसलिए x3 बराबर माइनस बारह प्लस ग्यारह कितना आ जाएगा बाबा बोलो, x3 का मान हमारे पास आ गया माइनस एक, कितना आ गया माइनस एक आ गया। अब जैसे आपने x x3 का मान निकाला उसी तरह आप क्या निकालो y3 का भी मान निकालोगे, तो y3 का मान निकालने के लिए y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे कितना हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ बहुत सारा प्रैक्टिस हो गया होगा आपको अभी तक। y का मान हमारे पास है माइनस सात बराबर y1 का मान देख लो 19 है, देखो यहाँ पर 19 तो 19 माइनस 19 प्लस 5 प्लस y3 बटे 3। अभी 3 का गुणा 21 सात के साथ करो कितना हो जाएगा माइनस 21 बराबर माइनस 15 माइनस 19 प्लस 5 कितना हो जाएगा माइनस 14, कितना हो जाएगा माइनस 14 प्लस y3, ठीक है। अगर आपको y3 का मान निकालना है, एक माइनस 14 यहाँ पर आया प्लस 14 हो जाएगा, इसलिए मैं क्या बोलूंगा y3 बराबर माइनस 21 प्लस 14 तो कितना आ जाएगा 21 में 14 घटा दो 7, तो y3 का मान आ गया माइनस 7, ठीक है। तो हमारा उत्तर आ जाएगा, उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग बोलो बाबा, उत्तर आ जाएगा क्या लिखना है, बिंदु C के निर्देशांक, तो हम लोग लिखेंगे बिंदु C के निर्देशांक क्या क्या है, x का निर्देशांक माइनस एक और माइनस सात, तो माइनस एक और माइनस सात है, ठीक है। इस तरह हमारा आठवां सवाल पूरा हो गया, अब करेंगे हम लोग नौवां सवाल। आठवां सवाल आपको समझा होगा पूरे एकदम अच्छे से, ठीक है, और इसको स्क्रीनशॉट ले लेके आप लोग लिखते जाइएगा। अगर कुछ स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर नौवां सवाल लिख लिया है, हमारे आठ सवाल तो हो चुके हैं, हम लोग करते हैं नौवां सवाल, ठीक है। नौवें सवाल में क्या करना है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि h और k का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, h और k का। तो मैं पहले सवाल पढ़ लेता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा। जी एक पांच केंद्रक वाले त्रिभुज, क्या नाम दिया है, त्रिभुज, त्रिभुज दिया मतलब केंद्रक का सूत्र लगेगा यहाँ पर। ए एच माइनस छ बी दो तीन और शीर्ष या माइनस छ के शीर्ष बिंदु हो तो एच और के का मान आप ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेता हूँ, उस त्रिभुज का नाम क्या है भाई, हमारे पास एबीसी है, क्या है त्रिभुज का नाम, एबीसी है। तो यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, इसका नाम दे दिया ए बी और ए सी, और यहाँ पर इसकी माध्यिका एम और यहाँ पर इसका ए जी, ठीक है, इस तरह त्रिभुज रहेगा। अब इस त्रिभुज के निर्देशांक मैं लिख देता हूं, यहां पर क्या रहेगा h और माइनस छ, ठीक है। a बनाने से क्या आपको थोड़ा सा समझने में आसान रहेगा, b का मान कितना हमारे पास दो और तीन है, c का है माइनस छ और k, और m का तो मालूम है मतलब g का रहता है, g का है एक और पांच, ठीक है। तो मुझे ये जो h है और ये जो k है इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो मैं करूंगा हल, और आप लोग देखिए क्या करना है। तो मैं ए बी सी को ना, तो मैं बोलूंगा ए क्या है हमारे पास x माइनस छ, तो इसको मैं मान लूंगा x1 y1, और b को मैं मान लू, b क्या हमारे पास दो और तीन है, तो इसको मैं मान लूंगा x2 y2। यहां पर ये हम लोग सूत्र लगा रहे केंद्रक वाला, ठीक है, केंद्रक के सूत्र से हमारे को आएगा आंसर, उसके अलावा तो आ नहीं सकता। तो माइनस सॉरी एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है, और यहां पर जो जी है, जी जी जिसको केंद्रक बिंदु कहा जाता है, एक और पांच है, इसको मान लेंगे एक्स और कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब यहां पर सबका मान लिख देते हैं कि भाई एक्स वन का मान कितना है, एक्स वन बराबर कितना, बोलिए हमारे पास एक्स वन बराबर कितना हमारे पास एच, एक्स वाई वन बराबर कितना है, वाई वन बराबर कितना बोलिए माइनस छ, एक्स टू बराबर कितना है दो, वाई टू बराबर कितना है तीन, एक्स थ्री बराबर कितना है हमारे पास माइनस छ, y3 बराबर कितना हमारे पास k, और x का मान हमारे पास है एक, और y का मान हमारे पास कितना है, y का मान कितना है पांच, ठीक है। ये सारे मान मैंने लिख दिए, अब मैं क्या लगाऊंगा इसका सूत्र लगाऊ, किसका सूत्र, केंद्रक का सूत्र, किसका सूत्र लगाऊ, केंद्रक का सूत्र, तो लिखूंगा केंद्रक के सूत्र से, केंद्रक के सूत्र से,
केंद्र के सूत्र से क्या हो जाएगा भाई, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। ठीक है, ए x का निर्देशांक याद करना तो अलग फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। चलिए तो अगर यहां पर x की बात करूं तो x का मान कितना, 1 है, 1 बराबर x1 का मान कितना है, h1 सॉरी h वन नहीं कॉमन है वो, h प्लस x2 का मान कितना है 2, देखो ना यहां पर 2, और x3 का मान है माइनस 6 प्लस माइनस 6 बटे 3। तो इस तरह इसको अगर हम लोग हल करते जाएंगे, 3 का गुणा 1 के साथ कीजिए तो आपको मिलेगा 3 बराबर h प्लस 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा 3 बराबर h 2 माइनस 6 माइनस 4। ये माइनस 4 यहां पर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा h बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4 और h का मान आ जाएगा 7। कितना आसान था, ना बहुत ज्यादा आसान। इसको हम लोग इस तरह से करेंगे और हम लोग अब निकालेंगे x का, तो मान आ गया, अब हमको निकालना है k का। तो अभी x निर्देशांक लिया, अब लेंगे y निर्देशांक। तो y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे कितना हो जाता है 3। तो y का निर्देशांक मुझे बताइए कितना है यहाँ पर, 5। y का निर्देशांक कितना है, 5, और y1 कितना है बोली मुझे, y1 है माइनस 6 प्लस y2 कितना है 3 और y3 बाबा k है मेरे पास, क्या है k 3। ठीक है, अब मुझे क्या करना, आप सबको मालूम है कि यहाँ 3 का गुणा 5 के साथ होगा तभी तो k का मान आएगा। 3 का गुणा 5 के साथ 15 बराबर माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 प्लस k। ठीक है, अब ये माइनस 3 जो है यहाँ पर बराबर के लेफ्ट साइड में आएगा, क्या प्लस, तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा k बराबर हो जाएगा 15 प्लस 3, इसलिए मैं क्या बोलूंगा k बराबर 18। ठीक है, तो उत्तर में क्या आएगा बच्चों, उत्तर में क्या आ जाएगा, उत्तर में क्या आएगा, उत्तर में आ जाएगा h का निर्देशांक, h का निर्देशांक, h का निर्देशांक क्या हमारे पास 7 है, और y का निर्देशांक कितना, सॉरी k का निर्देशांक, y नहीं k, k का निर्देशांक 18 है। निर्देशांक नहीं, मान 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 मान, निर्देशांक कहां से बोल रहा हूं, मान। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया, तो ये हमारा 9वां सवाल हो गया। अब बचे हैं सिर्फ 3 सवाल, कितने सवाल बचे हुए, 3, 10, 11 और 12, और तीनों सवाल थोड़ा बड़े बड़े हैं, तो थोड़ा आराम से देखते जाइएगा और आपको समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। नहीं तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर 10वां सवाल लिख लिया है, 10वां सवाल क्या है पहले पढ़ लेते, फिर उसको क्या करेंगे हल करेंगे। तो बिंदु ए का निर्देशांक 2 और 7 दिया है, बिंदु बी का निर्देशांक माइनस 4 माइनस 8 दिया है, तो जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को त्रिभाजक है, क्या है त्रिभाजक, त्रिभाजक मतलब उस रेखाखंड को तीन भाग करना है। त्रिभाजक बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब त्रिभाजक बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करना। मैं मान लेते हैं यहाँ पर मेरा एक रेखाखंड है, ठीक है, इसका नाम क्या है मेरे पास, ए और बी। अब इस रेखाखंड को क्या करना है, तीन भाग में बांटना है, क्योंकि आप त्रिभाजक लिखा है, तो एक देखो एक दो और तीन, तो इस बिंदु का नाम देते पी, तो पी क्यू क्या रहेगा, त्रिभाजक बिंदुओं के निर्देशांक है, ठीक है ना। तो ए जो है मेरा, ए का निर्देशांक हमारे पास कितना है, 2 और 7 है, और बी का जो निर्देशांक है वो हमारे पास है माइनस 4 और माइनस 8 है। ठीक है, यहां से समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हल 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 में क्या आया, माना माना बिंदु पी और बिंदु क्यू, यह क्या है त्रिभाजक बिंदुओं के क्या है निर्देशांक है, त्रिभाजक बिंदु है, त्रिभाजक बिंदु है, ठीक है ना, बिंदु है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर हो जाएगा एपी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, ये तीनों एक दूसरे क्या रहेंगे बराबर रहने वाले, क्या रहने वाले हैं एक दूसरे के बराबर, हमेशा बराबर रहेंगे। ठीक है, इनका मान हमेशा क्या रहेगा बराबर रहने वाला है। अब ध्यान देंगे बच्चे लोग क्या हो जाएगा, अभी अगर मैं बात करूं एपी, ध्यान देंगे एपी बटे पीबी, अगर मुझे पी का निर्देशांक ज्ञात करना, अगर मुझे पी का निर्देशांक ज्ञात करना है तो मुझे एपी बटे पीबी इसको बांटना पड़ेगा। तो अब क्या आ जाएगा एपी और पीबी बटे आएगा, एपी पीबी कैसे बटेगा, पीक्यू प्लस क्यूबी, पीक्यू प्लस क्यूबी, क्योंकि यहां पर समीकरण नंबर एक में दिया कि तीनों एक दूसरे क्या है बराबर है, तीनों एक दूसरे क्या है बराबर है, तो मैं इसलिए लिखूंगा एपी बटे पीबी बराबर एपी बटे
PQ को मैं AP लिख सकता हूँ और QB को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, AP लिख सकता हूँ। तो AP प्लस AP, क्योंकि तीनों एक दूसरे बराबर है ना, यहाँ पर लिख के दिया गया। देखो AP बराबर है PQ के और वो QP के भी क्या है, बराबर में है। तो यहां पर मैं AP AP लिख सकता हूँ। अब आगे क्या हो जाएगा बच्चे लोग, AP बटे PB, तो AP बटे 2 AP, ठीक है। तो एक AP AP कट जाएगा, क्या आंसर आएगा, AP बटे PB का मान आएगा कितना, 1:2। तो यहां पर यहां पर एक चीज हमको समझ में आ गई कि AP अनुपाते PB जो है वो आ गया 1:2। तो अनुपात तो हमारा आ चुका है, अनुपात हमारा आ चुका है। अब मैं AB की सहायता से, तो बिंदु P यह रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड AB को 1:2 में क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। 1:2 में क्या कर रहा है, विभाजित करता है। यहां पर समझ में आ गया आप लोगों को, 1:2 में विभाजित करता है। इसलिए इसलिए अब हम लोग क्या बोलेंगे, ए क्या हो जाएगा, ये 2 और 7, इसको मान लेंगे x1 y1, और बी को मान लेंगे, बी क्या हमारे पास -4 -8, इसको मान लेंगे x2 y2, ठीक है। यहां पर समझ में आ गया आप लोगों को। हाँ, अब हम लोग इसके अंदर लगा देंगे विभाजन सूत्र। क्या लगा देंगे, विभाजन सूत्र। क्या होता है विभाजन सूत्र, तो मैं यहां पर लिख देता हूं विभाजन सूत्र। इसके पहले भी आपने बहुत सारे सवाल में विभाजन सूत्र लगा गया हूं, विभाजन सूत्र द्वारा। विभाजन सूत्र क्या होता है, x का अगर निर्देशांक चाहिए तो m x2 + n x1 बटे क्या आ जाएगा, m + n, ठीक है, m + क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब आपको क्या रखना है, यहां पर मान रख देना और आंसर हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। मैं यहां पर सवाल हल करता हूं, ठीक है, इस सवाल को मैं अभी यहां पर करता हूं, नहीं पर कर देता हूं। x बराबर m का मान कितना हमारे पास, देखो m का मान अगर मैं बात करूं तो 1 है, 1। x2 का मान कितना, देखो यहां पर x2 का मान हमारे पास -4 है, तो -4 + n, n का मान कितना हमारे पास 2 है, देखो n का मान 2 है, m अनुपात n है ना, तो m का मान 1 हो गया, n का मान 2 हो गया। अब x1 का मान कितना हमारे पास 2 है, x1 का मान कितना 2 बटे 1 + 2, ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चा, कितना आ जाएगा, x बराबर -4 को गुणा 1 के साथ करेंगे, -4 + 2 × 4 बटे कितना आ जाएगा 3, तो 4 - 4 कितना होता है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा x = 0, कितना आ गया x = 0 आ गया। समझ में आ गया यहां तक, हाँ यहां तक समझ में आ गया है। अब क्या करना है, y का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो y बराबर हो जाएगा my2 + ny1 / m + n। तो इसलिए यहां पर आने वाला है आंसर, m का मान कितना रहेगा बोलो, n का मान तो 1 ही रहने वाला है, m का मान 1, y2 का मान देखो कितना, y2 का मान -8 है, तो यहां पर लिख देंगे -8 + n का मान है 2, y1 का मान कितना है 7, तो यहां पर लिख दिया मैंने 7 / 1 + 2। तो इसलिए y बराबर हो जाएगा -8 × 2 = 14/3, तो y बराबर हो जाएगा 14 में से -8 जाएगा 6/3, y बराबर हो गया 2, ठीक है। तो p का निर्देशांक कितना आ गया, इसलिए बिंदु p का निर्देशांक, बोलो बिंदु p का निर्देशांक कितना रहेगा, x का निर्देशांक तो 0 आया और y का निर्देशांक कितना है 2, तो हमारा आंसर आ गया 0 और 2 है, ठीक है। यहां पर तो P का तो निर्देशांक हमको मालूम पड़ गया, कितना आ गया 0 और 2 आ गया, ठीक है। अब हमको किसका निकालना है, Q का निकालना है ना। तो अगर बात करूं मैं क्यों, तो क्यों जो है वो PB का मध्य बिंदु है, क्योंकि ये दूरी समान है ना, ये दूरी समान है, मतलब क्या है, क्यों PB का मध्य बिंदु है, या मध्य बिंदु से निकालो या तो विभाजन सूत्र से निकालो, विभाजन से भी आएगा और मध्य बिंदु से भी आएगा। विभाजन से एम का मान भी 1 लेना पड़ेगा, एन का मान भी 1 लेना पड़ेगा, या तो आप दूरी सूत्र लगा दो, ठीक है। तो मैं लिखूंगा बिंदु क्यों यह रेखाखंड पीबी का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। जब वो मध्य बिंदु है तो यहां पर देखो P का निर्देशांक तो हमको मालूम 0 और 2 है, और B का निर्देशांक को मालूम -4 और
माइनस आठ है। तो यहां पर एक्स वन का मान आ जाएगा जीरो, वाई वन का मान आ जाएगा दो, एक्स टू का मान आ जाएगा माइनस चार और वाई टू का मान आ जाएगा माइनस आठ। ठीक है, यहां तक समझ में आएगा क्या? अब लगाना मध्य बिंदु का सूत्र। क्या लगाना है? मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे। तो हम लोग लिखेंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के सूत्र से। ठीक है, अब मध्य बिंदु के सूत्र से हम लोग हल करते हैं। तो ध्यान दे रहे हैं, यहां पर मैं करने जा रहा हूं हल। इसके आगे क्या हो जाएगा? x का निर्देशांक चाहिए तो x1 प्लस x2 बटे 2। ठीक है, तो अब मुझे बता x1 का मान कितना है यहां पर? जीरो। और x2 का मान कितना? माइनस चार। तो हो जाएगा जीरो माइनस चार बटे दो। तो हो जाएगा माइनस चार बटे दो, आंसर आ जाएगा कितना? माइनस दो। तो x का निर्देशांक आ गया माइनस दो। कितना आ गया? माइनस दो आ गया। y का निर्देशांक निकालना है मध्य बिंदु से, तो y का निर्देशांक निकलेगा वाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बटे टू। तो y का मान कितना आ जाएगा? वाई वन का मान कितना हमारे पास? दो, दो प्लस माइनस आठ बटे दो। तो कितना आ जाएगा बच्चा? दो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस आठ बटे दो। ठीक है, अब दो माइनस आठ कितना होता है? माइनस छह। तो माइनस छह बटे दो बराबर माइनस तीन आ जाएगा। तो यहां पर बिंदु जो Q है उसका निर्देशांक आ जाएगा माइनस दो माइनस तीन। इसलिए बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक कितना आ गया? X का मान माइनस दो है, माइनस दो माइनस तीन है। यहां तो समझ में आ गया ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो क्या लिखेंगे आंसर में? क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे, नीचे एक लाइन लिखेंगे। बिंदु ए दो सात, बिंदु बी माइनस चार माइनस आठ को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी के त्रिभाजक बिंदुओं के निर्देशांक, त्रिभाजक बिंदुओं के निर्देशांक आपका पहला आएगा जीरो दो और माइनस दो माइनस तीन है। इस तरह से हमारा दसवां सवाल पूरा हुआ। अब हम लोग करेंगे सवाल नंबर ग्यारह। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर ग्यारह सवाल लिख के रख दिया है। ग्यारह सवाल में जैसे हमने दसवें सवाल में देखा था त्रिभाजक ना, तो 11 सवाल में चार सर्वांश हम भाग कर रहा है। कितने कर रहा हूं मैं? चार। सेम ऐसे सवाल है जैसे वहां पर तीन बार भाग दिया था, तीन बार काटा था रेखाखंड को, इस बार यहां पर कितने बार काटना है? चार। तो ए और बी के निर्देशांक यहां पर दिए हैं, को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को चार सर्वांशम रेखाखंडों में विभाजित करने वाले, चार सर्वांशम रेखाखंडों में विभाजित करने वाले बिंदु क्या ज्ञात करना है? निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं यहां पर बना लेता हूं। पहले सबसे पहले एक रेखाखंड, एक मैं बना लिया रेखाखंड, इसका नाम दे दिया मैंने ए और बी। अब मैं इसको चार भाग में क्या करता हूं? चार सर्वांशम भाग में बांट देता हूं। तो एक दो चार, ठीक है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। तो अब इस निर्देश जो चार भाग में बटा है ना, इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? मैं दे देता हूं पी क्यू और एक आर। हो गया पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। अब ए का निर्देशांक हमें मालूम है माइनस चौदह माइनस दस, दिख रहा होगा आप लोगों को सवाल में। अब बी का निर्देशांक हमको मालूम है छह और माइनस दो। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, चलिए। तो अब हमको क्या लिखना है कि पी क्यू आर, बिंदु पी क्यू आर यह रेखाखंड ए बी को चार सर्वांशम भाग में क्या करके इन्होंने बांटा है। तो मैं लिखूंगा यहां पर हल, माना बिंदु P, Q और R यह रेखाखंड AB को चार सर्वांशम भाग में विभाजित किया। ठीक है, चार सर्वांशम भाग विभाजित कर दिया, मतलब यहां पर रहेगा एपी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर बी, ये रहने वाले। और ध्यान देंगे तो हमको मालूम पड़ेगा, और मालूम पड़ेगा वो क्या, कि ये जो क्यू है ना, ये जो क्यू है वो ए बी का मध्य बिंदु है। दिख रहा है ना आपको? यहां से भी तीसरे नंबर का रहे, देखो एक दूसरे नंबर पे, यहां पर भी दूसरे नंबर पर, बीच में आ रहा है ना। तो हम लोग लिखेंगे बिंदु क्यू यह रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। अब अगर मुझे क्यू का मान निकालना है, अगर मुझे बिंदु क्यू का मान निकालना है, क्यू का निर्देशांक निकालना है, तो मैं ए और बी का
मध्य बिंदु क्यों है, तो मध्य बिंदु के सूत्र से मैं क्यों निकालूंगा, यहां समझ में आ गया होगा। तो मैं बोलूंगा ए का निर्देशांक कितना है, बोलिए मुझे पास माइनस 14 माइनस 10, और बी का निर्देशांक मेरे पास कितना है 6 और माइनस 2, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, अगर मुझे बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है Q का, तो मेरे पास होना चाहिए x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये हो जाएगा मध्य बिंदु के सूत्र से सूत्र। ठीक है, मध्य बिंदु का सूत्र। अब मैं एक साथ ही चलते जा रहा हूं, इसलिए Q बराबर कितना हो जाएगा, क्यों x1 x2 कितना हमारे पास माइनस 14 प्लस 6 बटे 2 कॉमा y1 y2 माइनस 10 माइनस 2 बटे 2। ठीक है, यहां प्लस माइनस माइनस हो गया, इसलिए q बराबर माइनस 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा माइनस 8 बटे 2 और माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12 बटे 2। ठीक है, अब 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा q का मान आ जाएगा माइनस 4 माइनस 6। तो बिंदु Q का निर्देशांक हमको मालूम पड़ेगा माइनस 4 और माइनस 6। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या करना, P P जो है वो A और Q का मध्य बिंदु है, जो बिंदु P है वो A और Q का क्या है मध्य बिंदु है, तो मैं मध्य बिंदु के सूत्र से P निकाल लूंगा। ठीक है, और अगर दूसरी तरफ मैं देखूं तो R क्या है, एक Q और B का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के सूत्र से R भी निकल जाए। कितना आसान है निकालना, बहुत आसान है, तीन बार मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, बिंदु P या रेखाखंड, कौन सा रेखाखंड, यहां पर AB नहीं आएगा, यहां पर आएगा AQ, क्या आएगा AQ, AQ का क्या है बाबा, मध्य बिंदु है। ठीक है ना, मध्य बिंदु है, क्योंकि सर्वांशम भाग में बांटा, इसलिए यहां पर हो जाएगा कि मुझे Q का निर्देशांक याद करना, तो A का निर्देशांक लिखो पहले, A कितना मेरे पास माइनस 14 माइनस 10 और Q का निर्देशांक लिख दीजिए माइनस 4 माइनस 6। अब आपका A x1 y1 का काम करेगा और A x2 y2 का काम करेगा। ठीक है, आप लिख के भी शायद दिखा सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, स्टेप खाली बड़े हो जाएंगे आपके। ठीक है ना, तो हम लोग यहां पर किसका निर्देशांक निकालने वाले, P का, तो कैसे निकलेगा, मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु के सूत्र से। ठीक है ना, मध्य बिंदु सूत्र से क्या मान पड़ेगा कि भाई P जो होता है वो x1 प्लस x2 बटे 2, अगर x निर्देशांक चाहिए और y का निर्देशांक चाहिए तो कॉमन देखिए y1 प्लस y2 बटे 2, आप ना x को अलग और y को अलग निकाल के फिर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार ही कर रहा हूं। ठीक है ना, इस तरह से आप लोग कर सकते हो, इसके पहले वाले सवाल में मैंने अलग अलग करके किया है, लेकिन इस तरह से करो कैसे आपका जगह बचेगा, पेज बचेगा। ठीक है, यहां पर समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, P x1 x2 कितना हमारे पास, देखो ए x1 है और ए x2 है, माइनस 14 माइनस 4 तो हो जाएगा माइनस 14 एक प्लस फॉर्मूले का और ये माइनस 4 बटे कितना हो जाएगा 2 और y1 प्लस y2 माइनस 10 प्लस माइनस 6 बटे 2, ये आपका हो गया P का मान आने के लिए ब्रैकेट। ठीक है, यहां से समझा, तो P बराबर हो जाएगा -14, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस का तो माइनस, -14 -4 -18 बटे 2, ध्यान से करते जाएंगे एकदम, -10 प्लस माइनस माइनस, -10 -6 -16 बटे 2, सिंपल एकदम। तो P का निर्देशांक आ जाएगा -9 बटे -8, तो इस तरह P का निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, ये आपने Q का निर्देशांक ज्ञात किया है, ये आपने P का निर्देशांक ज्ञात किया है, अब हमको निकालना है R का निर्देशांक, किसका निर्देशांक, R का। तो R अगर हम ध्यान से देखें, Q और B का क्या मध्य बिंदु है, तो मैं यहां पर लिखूंगा बिंदु R, क्या लिखूंगा, बिंदु R यह रेखाखंड, ना रेखाखंड, रेखाखंड QB का क्या है, मध्य बिंदु है, फॉर्मूला लगा देंगे मध्य बिंदु का और हमारा आंसर रहेगा। चलो Q का पहले निर्देशांक लिख दीजिए कितना, -4 -6 है और B का निर्देशांक 6 -2 है, तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मध्य बिंदु का, कौन सा, मध्य बिंदु का, क्योंकि R जो है वो QB का क्या है, मध्य बिंदु है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु के सूत्र से। ठीक है, सवाल लिख दिया, फॉर्मूला में लगा देंगे, तो R बराबर यहां पर हो जाएगा x1 प्लस x2, मेरे साथ में बोलते जाना
y1 प्लस y2 बटे 2। साथ बोलते जाओगे तो सूत्र हमारा याद हो जाता है, और अब तक तो याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, मानक देंगे इसके अंदर, फॉर्मूले लगाने के बाद क्या करते हैं, मान रखते हैं। तो r क्या हो जाएगा, x1 x2, ये x1 हो गया और ये हो गया x2, तो -4 प्लस 6 बटे 2। अब ये हो गया y1, ये हो गया y2, तो -6 प्लस फॉर्मूले का -2 इसका, ठीक है, बटे 2। यहां पर समझ में आ गया तुमको। अब क्या करना, r ब्रैकेट में जाएगा, छोटा ब्रैकेट भी लगा सकते हो चलेगा, -4 प्लस 6 तो 2 बटे 2, ठीक है। और -6 देखो, ये -6 है, ये प्लस माइनस माइनस होगा, -6 -2 कितना हो जाएगा, -8/2, ठीक है। अब 2 से 2 काट दो कितने बार में जाएगा, एक बार में, तो r का मान आ जाएगा 1 -4, ये 2 से 8 कटेगा, -4 आ जाएगा। यहां समझ में आ गया, तो आपको r का भी निर्देशांक आ गया, p का भी मान पड़ गया, q का भी मान पड़ गया, r का भी मान पड़ गया, और तीनों निर्देशांक मैंने मध्य बिंदु के सूत्र से ही प्राप्त किया है, ठीक है। उत्तर रेखाखंड AB को 4 सर्वांशम भाग में विभाजित करने वाले बिंदुओं की, एक से ज्यादा है ना, बिंदुओं के निर्देशांक कितना है हमारे पास, कितना है, पी का है -9 -9 -8, और क्यू का है -4 -6 -4 -6, और भी क्या लिखेंगे, 1 और -4 1 -4 है, ठीक है। इस तरह हमारा उत्तर आ गया। अब हमारा सिर्फ एक ही सवाल बचा हुआ है, सवाल नंबर 12, तो इसको मैं मिटा देता हूं और मैं सवाल नंबर करता हूं 12। तो स्टूडेंट्स 5.2 का आखिरी सवाल है, 12वां सवाल है, ठीक है। 11 सवाल तो हो गए, 12वां सवाल थोड़ा सा 10वें और 11वें से मिलता जुलता है, क्योंकि 10वें सवाल में त्रिभाजक था, उस रेखाखंड को 3 भाग में बांटा था, 11वें सवाल में रेखाखंड को 4 भाग में आपने बांट दिया था, ठीक है। अब 12वें सवाल में क्या होने वाला है, रेखाखंड को आप 5 भाग में बांटने वाले हो, ठीक है। तो मैं यहां पर आप लोग के लिए एक रेखाखंड बना लेता हूं, ठीक है। इस रेखाखंड का नाम दे देता हूं AB, ठीक है। इस रेखाखंड का नाम क्या दे दिया मैंने, AB, और A का निर्देशांक कितना दिया हमारे पास, 20 और 10 आपको सवाल में दिख रहा होगा, और B का निर्देशांक दिया है 0 और 20, ठीक है। इस तरह मुझे निर्देशांक दिए गए हैं और मैं इसको क्या करता हूं, 5 भाग में बांट लेता हूं, तो ये हो गया 1 2 3 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम देता पी क्यू आर और एस। ये पी क्यू आर एस क्या है, AB को 5 सर्वांशम भाग में बांट दिया इन्होंने, ठीक है। अब मुझे क्या करना, पी क्यू आर एस के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा, मेरी बात ध्यान सुनना, ये लोग सब ना एक दूसरे को सर्वांशम भाग में बांटे हैं, ठीक है, यहां से समझाए। तो अगर मैं ध्यान देंगे, AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SD, ये सब एक दूसरे बराबर है। अगर मैंने Q का मान ज्ञात किया, किसका मान ज्ञात किया, Q का, अगर मैं Q का मान ज्ञात कर लिया तो P क्या रहेगा, AQ का मध्य बिंदु रहेगा, गया दिमाग में, मतलब Q कैसे ज्ञात करना है, विभाजन सूत्र से, कैसे ज्ञात करना है, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र का उपयोग करके हम लोग Q ज्ञात करेंगे, फिर उसका P कैसे ज्ञात करेंगे, मध्य बिंदु का सूत्र लगा के, क्योंकि Q जो है वह AQ का मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करने वाले, R का ज्ञात करेंगे, किसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे, आर का, विभाजन सूत्र से, ठीक है। तो एस जो हो जाएगा वो आरबी का मध्य बिंदु हो जाएगा, जा रहा दिमाग में, एस जो हो जाएगा वो आरबी का मध्य बिंदु हो जाएगा, तो हम लोग एस का निर्देशांक ज्ञात करेंगे मध्य बिंदु से, ठीक है। तो इस तरह से पूरा सवाल हल होने वाला है, और आपको भी समझ में आ गया है, तो अच्छी बात है, चलो हल करते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, बिंदु पी क्यू आर एस, बिंदु पी क्यू आर और एस, यह रेखाखंड, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, रेखाखंड AB को 5 सर्वांगसम रेखाखंडों में विभाजित
करते हैं, ठीक है, विभाजित करते हैं, मतलब यहां पर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर, सॉरी एक मिनट, एपी बराबर पी क्यू, एपी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस बी, ठीक है, ये सभी दूसरे क्या रहेंगे, बराबर रहने वाले, ठीक है। अगर मुझे क्यू का निर्देशांक ज्ञात करना है तो उसके लिए मुझे जो अनुपात है, ठीक है ना, अनुपात मुझे एपी बटे क्यू भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एपी ए क्यू बटे क्यू बी, तो अगर मैं बात करूं ए क्यू, तो ए क्यू मेरा दो चीज से मिलकर बना हुआ, एपी प्लस पी क्यू, और क्यू बी जो है मेरा वह तीन चीज से मिलकर बना, क्यू आर आर एस और एस बी, क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस बी, ठीक है। अब चूंकि ये सभी ने एक दूसरे क्या बराबर है, मतलब सबके लिए मैं एक ही नाम लिख सकता हूं, इतना नाम क्यों लिख रहा हूं मैं, ठीक है, मैं सबके लिए एक नाम लिख सकता हूं कि भाई एपी प्लस एपी बटे एपी प्लस एपी प्लस एपी, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, तुमको मालूम पड़ेगा कि एपी एपी दो एपी, ठीक है, एपी 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 तीन एपी, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा ए क्यू बटे क्यू बी, एपी एपी क्या होगा कट गया, एपी एपी क्या होगा कट गया, तो ए क्यू बटे, अगर मैं यहां पर लिख दू, एक मिनट थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, ए क्यू बटे क्यू बी बराबर दो बटे तीन हो जाएगा। तो यहां पर एक चीज ये समझ में आ गई कि जो बिंदु क्यू है वह एपी को दो अनुपात तीन में विभाजित करता है, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गई कि बिंदु क्यू यह रेखाखंड एबी को दो अनुपात तीन में विभाजित करता, दो अनुपात तीन में क्या कर रहा हूं, विभाजित कर रहा है, ठीक है, विभाजित करता है। अब क्या हो जाएगा कि यहां पर m और n का मान आपको मालूम पड़ गया कि भाई ये m का मान रहेगा और क्या रहेगा, n का मान रहेगा। तो जो q निकाला मैं a और b के लिए है, तो a का निर्देशांक हम लोग लिख लेंगे 20 और 10 और b का निर्देशांक लिख लेंगे 0 और 20। यहां पर समझ में आया स्टूडेंट, ठीक है। अब हम लोग लगा देंगे इसके अंदर विभाजन सूत्र, क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र। तो ये आपको मालूम है, ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, ये x2 का काम करने वाला है, ये y2 का काम करने वाला है, ठीक है। तो मैं लगाने वाला विभाजन सूत्र, क्या लगा दूं, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, विभाजन सूत्र से x का निर्देशांक एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन, एम प्लस एन, ठीक है। x का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए तो x बराबर हो जाएगा, n का मान है 2, x2 का मान कितना है बच्चों 2, 0 है, फिर n का मान कितना है बच्चों 3, और x1 का मान हमारे पास है 20 बटे 2 प्लस 3, तो x बराबर आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, 3 का गुणा 20 में हो जाएगा 60, 60 बटे हो जाएगा 5, तो x का मान आ जाएगा 12, x का मान कितना आ जाएगा 12, ठीक है। आप जैसे आपने x का निर्देशांक ज्ञात किया उसी तरह आप किसका निर्देशांक ज्ञात करोगे, y का, तो y m y2 plus n y1 बटे m plus n, m plus n, तो ध्यान देंगे यहां पर y बराबर हो जाएगा, m का तो निर्देशांक आपको मालूम है 2, और y2 का मान देखो यहां पर है 20 प्लस 3, और y1 का मान है 10, यहां पर समझ में आ रहा है बच्चों 3, तो y बराबर हो जाएगा 20 का गुणा 2 में 40, 40 प्लस 30, ठीक है, और ये हो जाएगा 5, तो y बराबर हो जाएगा बच्चों 40 और 30 कितना होता है 70, 70 बटे 5 कितना हो जाएगा बच्चों 14, तो y का मान आ गया हमारे पास 14, कितना आ गया 14। अब क्या करेंगे, हमारा बिंदु q का निर्देशांक आ गया, बिंदु q का निर्देशांक आ गया हमको, इसलिए बिंदु q का निर्देशांक कितना होगा बोलो, कितना आ गया, x का 12 और 14, 12 पावर 14, ठीक है। अब जो बिंदु P है ना वो AQ का मध्य बिंदु है, बिंदु जो P है वो AQ का क्या है, मध्य बिंदु है, तो मैं यहां पर लिखूंगा बिंदु P या रेखाखंड, रेखाखंड, रेखाखंड AQ का क्या है, मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो गया ना, तो अब ये क्या हो जाएगा कि
पी का निर्देशांक ज्ञात करना है तो आपको मध्य बिंदु का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो यहां पर हमने लिखे मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु के सूत्र से। मध्य बिंदु का सूत्र क्या बोलता है कि यदि आपको पी का निर्देशांक चाहिए तो आपको एक्स निर्देशांक ज्ञात करने के लिए एक्स वन प्लस एक्स टू बटे टू करना पड़ेगा और y का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए y1 प्लस y2 बटे 2 करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये सारी चीजें एक ही बॉक्स ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताकि हमको जगह बच जाए। ठीक है, अगर अलग अलग करूंगा तो बहुत ज्यादा जगह लग जाएगी, सवाल बहुत बड़ा है। अभी p का निकालना है, फिर r का निकालना पड़ेगा, फिर s का भी निकालना है। ठीक है, तो इसलिए नहीं, इसलिए नहीं बराबर आएगा। p x1 का मान कितना है, तो p किसका निर्देशांक है, a और b का है, तो a का निर्देशांक 20 और 10 है और q का निर्देशांक 12 और 14 है। ठीक है, तो ए एक्स वन वाई वन ए एक्स टू वाई टू है, तो एक्स वन एक्स वन एक्स टू कितना है, 20 प्लस 12 बटे 2 और 10 प्लस 14 बटे 2। ठीक है, इसलिए P का आ जाएगा 20 प्लस 12 कितना है, 32 बटे 2 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 10 प्लस 14 24 बटे 2 कितना हो जाएगा 12, 16 और 12। बिंदु P का निर्देशांक आ गया 16 12, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखेंगे, बिंदु P का निर्देशांक कितना आ गया 16 12 है। तो यहां पर समझ में आ गया आपको। अब क्या करना है, R का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, किसका, R का। अगर R का निर्देशांक आपने ज्ञात कर लिया तो S को क्या बोलेंगे, RB का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो R का ज्ञात करने के लिए हमको AR और RB करना पड़ेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब ए आर बटे आर बी। तो अगर मैं बात करूं ए आर की, तो ए आर मेरा है एपी प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर, एपी प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर, इनसे मिलकर बना हुआ ए आर। और आर बी जो है वो आर एस प्लस एस बी से मिलकर बना हुआ। ठीक है, अब चूंकि ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है, यहां से मान पड़ गया, यहां से मान पड़ गया कि ये सब क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, ये सब क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो ध्यान देंगे सबको, मैं एक ही नाम लिख सकता हूं, बार बार अलग क्यों लिखने का, ए आर बटे आर बी बराबर एपी प्लस एपी प्लस एपी बटे एपी प्लस एपी। अब सबको जोड़ दो कितना आ जाएगा आंसर, ए आर बटे आर बी बराबर एपी 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 3 एपी। ठीक है, और एपी 2 एपी। ठीक है, एपी एपी कट जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा बराबर ए आर बटे आर बी बराबर आ जाएगा 3/2। तो यहां पर ये चीज मालूम पड़ गया, जो आर बिंदु है ना, ये जो आर है वो ए बी को 3:2 में क्या किया, उसने विभाजित किया है। तो मैं वही चीज यहां पर लिखने वाला हूं, ध्यान देंगे अच्छे से, क्या हो जाएगा, बिंदु बिंदु आर या रेखाखंड एबी को कितने अनुपात में, 3:2 में, 3:2 में विभाजित करता, 3:2 में क्या करता है, विभाजित करता है। जब ये विभाजित कर दिया, ठीक है, तो आर जो लिया मैंने वो किसके लिए लिया, ए और बी के लिए, तो ए का निर्देशांक लिख दीजिए 20 10 और बी का लिख दीजिए 0 और 20। तो R इनके बीच में है ना, ठीक है, तो R का निर्देशांक हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मत क्या विभाजन सूत्र लगाएं, कौन सा सूत्र लगाएं, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से। ठीक है, ए हो गया x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और हो जाएगा m, अब ये हो जाएगा n। ठीक है, अब सेपरेट लिख भी सकते हो उनके लिए, भाई n का मान इतना है, n का मान इतना है, x1 x2 ये सब सारा मान अलग अलग लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए जगह ज्यादा चाहिएगा। ठीक है, तो यहां पर x का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस क्या होता है n, अच्छा n का मान हमारे पास कितना, 3 3, x2 का मान हमारे पास 0 प्लस 2, x1 का मान हमारे पास 20 है बटे 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, तो 2 का गुणा 20 में करेंगे 40 40 बटे कितना हो जाएगा 5, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 8, कितना आ जाएगा 8। बच्चों यहां तक समझ में आ रहा आप लोगों, हाँ
यहां तो समझ में आता है कि x का मान कैसे निकाला। अब हम लोग निकालने वाले y का मान, किसका मान निकालेंगे, y का। y बराबर एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस क्या होता है n, एम प्लस क्या हो जाता है n। तो y का मान निकालने के लिए हमको m का मान तो हमको मान में दो है, तीन है। y2 का मान कितना हमारे पास, 20, 20 प्लस n का मान हमारे पास तीन, n का मान हमारे पास कितना है, दो, और y1 का मान हमारे पास है 10, ठीक है। तो तीन प्लस दो, तो y बराबर हो जाएगा 20 तिया 60 कितना 60, और दो दहा में 20 बटे 5। थोड़ा भी इससे करना नहीं, गुणा भाग में गलती नहीं करना। y बराबर 60 और 20 कितना हो जाएगा, 80 बटे 5, तो y बराबर आएगा 16 × 5 = 80 होता है 16, ठीक है। यहां तो समझ में आ गए। तो बिंदु R का निर्देशांक, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, बिंदु R का निर्देशांक, बिंदु R का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 8 और 16 है। अब जो S है वो RB का मध्य बिंदु है, S जो है RB का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर जगह नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटा ले रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके यहां तक देख सकते हो। सिर्फ मुझे अभी S का मान निकालना है, ठीक है, यहां पर मिटा दिया है और जगह मेरे पास बन गई है। अब मैं निकालने वाला बिंदु S का मान, तो मैं यहां पर लिखूंगा बिंदु S यह किसका, आरबी, रेखाखंड आरबी, रेखाखंड आरबी का क्या है, मध्य बिंदु है, आरबी का मध्य बिंदु है, सी, ठीक है, यहां पर आरबी का मध्य बिंदु है। तो R का मान कितना बोलिए मुझे पहले, R का मान यहां पर हमारा आया था 8 और 16, ठीक है, और B का निर्देशांक बोलिए कितना हमारे पास, B का 0 और 20। R क्या है, मध्य बिंदु, इसलिए हम लोग लगाएंगे मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु के सूत्र से क्या हो जाएगा, अगर मध्य बिंदु सूत्र निकालना है इसके लिए तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है, इस तरह निकालेंगे। अब ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, तो भाई 8 और 0, 8 प्लस 0 बटे 2, और यहां पर 16 प्लस 20 बटे 2, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों, ठीक है। तो 8 और 0 कितना होता है 8, 8 बटे 2 मतलब 4, और 16 और 20 कितना, 16 और 20 कितना 36, 36 बटे 2 मतलब 18, ठीक है। तो हम लोग लिखे बिंदु S का निर्देशांक, बिंदु S का निर्देशांक, निर्देशांक 4 18, ठीक है। और फाइनल आंसर लिखेंगे लास्ट में, सबसे लास्ट में लिखना है, सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग कि ए बी, ये दिख रहा है ना आपको, ए 20 10 20 बी 0 20 को जोड़ने वाले रेखाखंड, ए बी को 5 सर्वांगसम रेखाखंड में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, क्या लिखेंगे, 5 सर्वांगसम रेखाखंडों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। आपने जो P Q R S के निर्देशांक लिखे ना, कॉमा दे देके लिख देंगे, P का निर्देशांक, फिर Q का, फिर R का, फिर S का है, ठीक है। इस तरह से हमारा 5.1 कंप्लीट हुआ, बहुत बड़ा वीडियो बना होगा, बनाए और ठीक है, एकदम स्टार्ट टू एंड तक आपने देख लिया है। तो यदि आपको ये सारा चीज पसंद आए, मेरी मेहनत, मेरा काम पसंद आए, तो आपको क्या करना, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 5.3 के साथ।